Hello students, welcome to this webinar, physics webinar from Vidyamandir classes. In today's session, we are going to discuss in the chapter electrostatics. Aur discussion se pehle main apne bare mein thoda introduction de deta hu. So I am Abhishek Kumar. I have done my BTech in chemical engineering from IIT Delhi, and I have been associated with Vidyamandir classes for the last 8 years. Or currently I am the head of department physics at VMC Pitampura Center. So aaj ke discussion mein electrostatics hum karne wale hain. To pehle ek ye hum dekh lete hain ki electrostatic ka weightage kaisa hai JEE main mein. Aur abhi chuki JEE main ka thoda pattern ya ye kahe ki kis tarah se JEE main hota hai, multiple papers hote hain, to ye 2019 se change hua hai. To 2019 aur 20 ka agar hum analysis kare to isme 2019 के जनवरी सेशन में टोटल 8 पेपर्स हुए थे और उस समय जो पेपर होता था उसमें 30 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें टोटल 8 पेपर्स मिला के 14 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए थे. और अप्रैल सेशन में अगेन फिर से 8 पेपर्स हुए थे, तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस ईच पेपर में था और उसमें टोटल 13 क्वेश्चंस आए थे. इस साल जो जेईई मेन हुआ जनवरी में, तो उसमें 6 पेपर्स हुए. और इस बार फर्क यह था कि हर पेपर में 25 क्वेश्चन थे रादर देन 30, और उसमें देखा गया कि 8 क्वेश्चंस हैं. तो ओवरऑल अगर देखोगे तो लगभग ऐसा हो रहा है कि लास्ट ईयर हर पेपर में ऑन एवरेज लगभग 2 क्वेश्चंस आ रहे थे. जैसे अगर 8 पेपर्स में 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो काफी हाई चांसेस हैं कि हर पेपर में दो दो क्वेश्चन रहेगा, कि जो भी पेपर किसी बच्चे ने दिया होगा तो उसके पेपर में 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन रहेगा. इस बार चूंकि क्वेश्चन का नंबर घट गया कि 25 क्वेश्चंस ही हैं, तो इस कारण से थोड़ा 6 पेपर में 8 क्वेश्चंस हैं, तो कम ही, मतलब ज्यादातर पेपर्स में 1 क्वेश्चन थे और 1-2 पेपर में रहा होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे बस. बट ये जो बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं. बट चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो एक बड़ा सा ब्रांच है उसका फाउंडेशन ले करता है, तो बाकी चैप्टर्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज का यूज तो होता ही है. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू. पूरा का पूरा जो ब्रॉड एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके लिए तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी चाहिए. और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी सिंपल, तो आज का डिस्कशन हम मेंस स्पेसिफिक ही रखेंगे. तो हम उसी तरह के डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस लेंगे जो कि मेन एग्जाम्स में आते हैं. काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने वही लिया है जो कि एक्चुअल मेन एग्जाम में आए हैं, या तो इस साल आए हैं या पिछले साल आए हैं. कुछ क्वेश्चन 1-2 लिए हैं मैंने जो कि पहले वाले पेपर से हैं, बट मोस्टली द क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस ईयर जेईई मेन और द 2019 जेईई मेन. तो ये डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कूलम्स लॉ से. तो कूलम्स लॉ हमें 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, काफी बार इसको बच्चे K के फॉर्म में भी याद रखते हैं, तो इसको अगर हम K बोल रहे हैं तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फोर्स होता है. अच्छा, यहां पे जो लिख रखा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखा रखा है, बिकॉज Q1 Q2 को हमने मॉड में रख दिया है. इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो हमें यहां पे पता है. डायरेक्शन क्या होता है, तो इसमें फिर हम एक ये नोटिस कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस अगर होते हैं, लाइक चार्जेस तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स. और अगर अनलाइक चार्जेस तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स. अब लाइक का मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए. अनलाइक का मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए. और ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड, अगर एक्सटेंडेड बॉडीज हो जाएंगे तो फिर हमें कूलम्स लॉ नहीं लगाना है, फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जो कि आगे हम देखेंगे. तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है. तो ये काफी कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ये आता है काफी फ्रिक्वेंटली आता है, जिसमें बोल रखा है कि दो चार्जेस हमने, बेसिकली 3 चार्जेस हैं, और अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है, मान लो एक्स एक्सिस का लॉन्ग पड़ा हुआ है, और जो पॉइंट्स है एक हमारे पास O पे रखा हुआ है, एक रखा हुआ है D/2 पे, और एक रखा हुआ है D पे. यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, और चार्जेस कैसे कैसे रखे हुए हैं तो उसके बारे में हमें गिवन है कि चार्ज O पे हमने जो रखा है ये प्लस क्यू है, यहाँ पे जो रखा है वो स्मॉल क्यू है, और यहाँ पे रखा है वो अगेन प्लस क्यू है. तो फिर हमें बताना है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई ये प्लस क्यू जीरो हो जाए जो ऑरिजिन पे रखा हुआ है, यानी कि इस पे हमें फोर्स को जीरो करना है, तो फिर वैल्यू ऑफ क्यू क्या होना चाहिए. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो इस वाले पे दोनों ही बाकी जो चार्जेस है वो फोर्स लगा रहेंगे, तो अगर मैं डी पे जो कैपिटल क्यू रखा हुआ उसके कारण अगर फोर्स देखूंगा तो वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, तो वो किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा फोर्स.
और ये फोर्स कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो यहां से दिखा दिया रिपल्सिव, और मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हैं तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। तो अब अगर इस पर नेट फोर्स हमें चाहिए जीरो, जीरो अगर नेट फोर्स होना है तो फिर हमें जो इस क्यू के कारण फोर्स लगना पड़ेगा वो फिर राइट की तरफ लगना चाहिए, और ये कुछ एफ डैश होगा। और ये एफ डैश अगर देखें तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अगर हम लेट से, अच्छा ये एफ डैश अगर राइट में लगना है तो फिर ये डिसाइड हो गया कि ये जो होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो एफ डैश हो जाएगा के इंटू क्यू और अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर, डिस्टेंस डी बाई टू है, और अगर हमें फोर्स जीरो करना है तो फिर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लेंगे कि एफ इक्वल्स टू एफ डैश होना चाहिए। तो यहां से फिर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन के, मैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले टर्म को के बोल रहा हूं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन यहां पे डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसमें बाकी सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई 4। अच्छा ये क्यू बाई 4 तो मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड आया, लेकिन हमने साइन यहाँ पे डिसाइड कर रखा था कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो फिर हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी ऑप्शन, माइनस ऑफ क्यू बाई 4। ये चार्ज रखेंगे तो जो हमारे पास ऑरिजिन पर चार्ज रखा था उस पर फोर्स जीरो होगा। अच्छा दो चार्जेस का सेटअप है, इसी का एक्सटेंशन हो सकता है कि दो के बजाय हमने तीन चार्जेस का सेटअप ले लिया, चार चार्जेस का सेटअप ले लिया, तो अगर थ्री चार्जेस का सेटअप लें, थ्री चार्जेस अगर हमने लेट से इसी इसी डिस्कशन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर हमने फोर थ्री चार्जेस रखे हुए हैं सिमेट्रिकली और उस पे किसी एक पे फोर जीरो करना है तो हमें सेंटर पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा ले लिया, अगर ये अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हमारे पास तीन चार्जेस रखे हुए हैं, एक ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, और लेट से ये ट्रायंगल का साइड ए है, और फिर हम जानना चाह रहे हैं कि इसके सेंटर पे, इसका सेंटर यहां पे होगा तो इसके सेंटर पे कोई हम एक चार्ज क्यू रख रहे हैं, और फिर से हमें क्या करना है कि इस पे फोर जीरो करना है, लेट से कोई भी एक ऊपर वाला जो चार्ज है, लेट से इस चार्ज की अगर बात करें तो इस पे हमें फोर जीरो कर देना है, तो हमें कितना चार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसा ही है बट अब हमने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दिया, तो इस पे देखेंगे कि पहले इस क्यू के अलावा जो क्यू हम रख रहे हैं उसके अलावा देखो कि इस पे नेट फोर्स कितना लेगा, तो वो दोनों के कारण जो नेट फोर्स लेगा उसको अगर मैं डायरेक्शन वाइज दिखा रहा हूं, रिपल्सिव फोर्स लेगा तो इसके कारण कुछ इधर लेगा एफ, ये एफ, और एफ मैं किसको बोल रहा हूं, एफ मैं बोल रहा हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको मैं एफ बोल रहा हूं, तो दूसरे वाला जो प्लस क्यू एक और है ये वाला लेफ्ट राइट वाला जो प्लस क्यू है उसके कारण जो फोर्स लेगा वो भी इधर लेगा एफ, ऐसा आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो फिर ऊपर आ जाएगा, और कितना आएगा रिजल्टेंट, तो ये केस तो फिर थोड़ा आसान सा ही है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट फिर रूट थ्री टाइम्स हो जाता है, या तो फिर तुम कॉस से भी कर सकते हो कि बेसिकली अगर एफ नेट देखोगे, एफ नेट इन दोनों के कारण अगर एफ नेट देखोगे ये हो जाएगा 2f cos of 30 डिग्री, बिकॉज ये जो एंगल होगा ऊपर में दिस एंगल विल बी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, तो 2f cos 30 डिग्री ये नेट फोर्स हो जाएगा, साइन वाले कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो f रूट थ्री हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं 60 डिग्री पे तो उनका रिजल्टेंट रूट थ्री टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर हो जाता है। अब हमें इस जो क्यू हमने रखा है उसके कारण ये वाला फोर्स को बैलेंस करवाना है, तो फोर्स किधर लगना चाहिए, तो फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, ये फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए, इसको मैं एफ डैश बोल रहा हूं, तो यहां से ये डिसाइड हो गया कि ये जो क्यू होगा वो नेगेटिव साइन का होगा। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो एफ डैश का अगर मैग्नीट्यूड लिखा तो हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस जो इस वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस कितना होता है, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर हम किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट फेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसका लेंथ होता है √3/2a होता है, और फिर ये सेंटर 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो जो ऊपर वाले वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा वो 2/3 टाइम्स दिस डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास a अपॉन √3 हो जाएगा, तो यहां पे ये a अपॉन √3 बन जाएगा और उसका स्क्वायर, और फिर अगर हमें फोर्स जीरो करना है तो हमें क्या करना है कि जो एफ नेट हमने इन दोनों का एफ नेट निकाला ऊपर वाले का, यानी कि एफ रूट थ्री, इसको हम एफ डैश से बैलेंस करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू का, यहां से क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन हमने पहले से डिसाइड कर रखा है जिससे हमें ये पता चल गया कि माइनस साइन आएगा चार्ज पे, तो फिर हम जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा आंसर करते समय एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कॉमन होता है,
इसी के एक्सटेंशन में लेट्स से अगर मैं एक ये वाला क्वेश्चन ले लूं, ये भी जेई मेन में है, तीन के बजाय आप चार चार दे दें, चार चार दे दें, तो ये खुद से कर सकते हो। एक बार मैं सेटअप दिखा देता हूँ, ये जो डिस्कशन हो रहा है तो इसका डिस्कशन का पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, जो हमने अभी यहाँ पे यूट्यूब में जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होगा, तो उस कमेंट सेक्शन में ये बाद में डल जाएगा ये पीडीएफ, तो वहां से तुम सारे क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हो और खुद से एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहां पे क्या करना है, इसका थोड़ा डायग्राम मैं बनाया, तो फाइनल आंसर एक बार खुद से निकाल सकते हो कि अब है कि चार चार्जेस रखे हुए, चार चार्जेस रखे हुए और चारों माइनस क्यू, तो ये लेट से माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और फिर हम सेंटर पे एक क्यू रख रहे हैं। ये एक कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम इसके दो तीन वेरिएशंस डिस्कस कर लेते हैं। ये है, तो फिर हम बताने सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ये होगा कि सारे पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जीरो, तो ऐसे सिमेट्रिकल सिस्टम में अगर जिस चार्ज को हम रख रहे हैं सेंटर पे, इस पे तो नेट फोर्स जीरो होगा ही, बिकॉज बाकी चारों चार्जेस पे सिमेट्रिकल तरीके से इक्वल फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि सेंटर वाले चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है ही, तो बाकी चार्जेस भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अगर बाकी चार्ज में किसी भी एक चार्ज पे फोकस करेंगे, लेट्स से मैंने ये नीचे वाले चार्ज पे फोकस कर लिया जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इस पे फोर्स कौन कौन से लगेगा, तो इस पे तो पहले जो स्मॉल क्यू के अलावा जो चार्जेस हैं वो फोर्स लगाएंगे, तो वो तीनों ही रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ऊपर वाला फोर्स लगाएगा इस पे नीचे की तरफ, ये फोर्स एफ हो जाएगा और इस एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइड अगर हम ए ले लेते हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ की वैल्यू। जो लेफ्ट वाला है जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये लेफ्ट वाला इस पर राइट की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, ये भी एफ होगा, मैग्नीट्यूड वाइज यही रहेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये भी एफ रहेगा। जो ऊपर वाला लगा डायगोनली अपोजिट जो है, वो जो फोर्स लगाएगा वो कुछ इधर लगाएगा, वो कुछ इधर लगाएगा, और ये फोर्स कुछ लेट्स से एफ वन होगा, एफ वन होगा, ये डिफरेंट होगा एफ से। एफ वन की वैल्यू क्या होगी, तो एफ वन हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा रूट टू ए का स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों के बीच का सेपरेशन रूट टू ए है। तो इन सबका अगर नेट फोर्स देखोगे तो वो नेट फोर्स किधर आएगा, इन तीनों का अगर नेट फोर्स अभी देखो तो इन तीनों का नेट फोर्स कुछ इधर आ रहा होगा एफ नेट, इन तीनों का भी, इन तीनों का नेट फोर्स इधर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा इन तीनों का नेट फोर्स, तो एफ नेट करने के लिए एफ वन तो है ही और प्लस बाकी जो दो एफ है उनका कॉस 45 कॉम्पोनेंट, बिकॉज ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो एफ वन प्लस टू एफ कॉस 45 डिग्री, ये एफ नेट आएगा। अभी जो हमने चार्ज रखा है उसके अलावा जो बाकी तीन चार्जेस थे उसके कारण इस पे नेट फोर्स इधर आ रहा है, तो जो हम जो चार्ज रख रहे हैं उसके कारण फिर इस पे फोर्स बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितना भी नेट फोर्स आ रहा है इसको कैंसिल कर देगा, तो उसके लिए फोर्स इधर लगना चाहिए। और इस फोर्स को अगर मैं एफ डैश बोल रहा हूं, तो चूंकि अट्रैक्टिव नेचर का आ गया तो उसे ये पता चल गया कि क्यू जो होना चाहिए वो अनलाइक होना चाहिए विथ द कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस क्यू था, तो इस कारण से इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि तब जाके अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस पे। तो फिर और कितना मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एफ डैश है दैट शुड बैलेंस दिस एफ नेट, और एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, तो एफ डैश जो बनेगा वो बन जाएगा के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हो जाएगा रूट टू ए, होता है पूरे डायगोनल का लेंथ अपॉन टू कर देंगे तो आ जाएगा ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर, तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी और फिर Q की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आंसर में शायद A है बट A नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर A की बजाय A का पॉजिटिव जो है वो B होना चाहिए, आंसर विल बी B। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेना। तो ये कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था जिसमें हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना था, यानी कि सारे चार्जेस पे हमें फोर्स जीरो करना था। एक ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Two charges each equal to Q are kept at x equal to minus and x equal to a on the x-axis. और फिर एक particle को origin पे हमने रखा हुआ है। चलो situation बना लेते हैं। Let us draw the situation. तो situation ऐसे है कि हमारे पास x-axis है। ये मान लो अगर हमने x equal to zero ले रखा है, तो ये x equal to a, ये x equal to minus है। और हमने charges दो चार्जेस क्यू रखे, यानी कि यहां पे क्यू रखा है और यहां पे क्यू रखा है, और माइनस क्यू बाई टू को हमने ऑरिजिन पे रखा है, क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट बोल रहे हैं, विच इज माइनस क्यू बाई टू, और इसको ऑरिजिन पे रखा है, तो ऑरिजिन पे रखेंगे तब तो उस पर फोर जीरो होगा, उस पर फोर जीरो होगा। बोल रहा है कि अगर उसको ऑरिजिन से डिस्प्लेस कर रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, तब उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो
कि उसकी वाई से प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। तो उसको हमने क्या किया है, मैं यहाँ पे सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि उसको हमने ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, तो वाई एक्सिस कुछ ऊपर की तरफ है, तो उसमें बोल रहा है कि हमने इस चार्ज को वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस कर दिया, तो कुछ यहां पे कर दिया, और यहाँ पे ये क्यू नॉट है विच इज माइनस ऑफ क्यू बाई टू, माइनस नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसको हम वाई बोल रहे हैं, और फिर हमें एक लिमिट दे रखा है कि वाई बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ए, तो फिर इस पर नेट फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। तो इसमें देखते हैं दोनों के कारण फोर्स, तो मान लो जो माइनस ए पे क्यू है वो इस पे ये क्यू है और वो माइनस क्यू बाई टू है, तो अपोजिट नेचर के चार्जेस अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसके तरफ लगाएगा अट्रैक्टिव, तो ये एफ हो जाएगा, और दूसरा वाला जो चार्ज ए पे रखा हुआ है वो फिर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये एफ हो जाएगा। और इसमें अगर देखोगे तो ये अगर एंगल थीटा है तो एफ साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और जो नेट फोर्स लगेगा एफ नेट वो हो जाएगा टू एफ कॉस थीटा, और एक माइनस साइन भी लगा रहे हैं बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया था और फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इस कारण से हम एक माइनस साइन लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टू एफ। हमने किसको बोला होगा, तो एफ बोला होगा हमने दो चार्जेस के बीच का फोर्स, तो वो आ जाएगा K और इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू बाई टू, तो उसका हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख लेते हैं बिकॉज माइनस तो हमने फोर्स के डायरेक्शन में अकाउंट ले ही लिया है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में क्या आएगा, तो वह आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिकली ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस है हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा एफ, तो माइनस टू इंटू एफ कर दिया और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, कॉस थीटा ही हो जाएगा, वाई अपॉन जो सेपरेशन है आर वो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो अब इसमें अगर हमने अभी तो वाई ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, बट इसमें बोल रखा है कि फोर वाई मच मच लेस देन ए, वाई बहुत छोटा है ये बोल रखा है ना कि वाई बहुत छोटा है, वाई बहुत छोटा, तो वाई बहुत छोटा है तो नीचे वाले टर्म्स से हम वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से फिर एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट विल बी माइनस ऑफ ये टू से वो कैंसिल हो जाए, तो के क्यू स्क्वायर और इंटू ऊपर में वाई और नीचे में हमने दोनों टर्म से वाई स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया एज कम्पेयर टू ए स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ए क्यू, तो यहां से आ गया कि एफ नेट जो है दैट इज प्रोपोर्शन टू माइनस ऑफ वाई, तो ये इसमें पूछा था कि माइनस ऑफ वाई के प्रोपोर्शन है क्या, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दैट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ये फिर सही हो जाएगा। अच्छा इसमें कई बोलता है कि इसका एस एच एम का टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गया, तो एस एच एम का टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा डिस्प्लेस हमने किया ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स और ये प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फिर एस एच एम होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन लेट्स एक्सेलरेशन को अगर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा जो फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यू, मास से और डिवाइड कर दिया और इंटू वाई आ रहा है, तो यहाँ पे फिर जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इस टर्म को हम बोलेंगे दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर और एक्सेलरेशन इन वाई इज ऐसा कुछ आ गया ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, तो एस एच एम का इक्वेशन आ गया और टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम हो जाएगा टू पाई अपॉन ओमेगा, तो ऐसे एस एच एम का टाइम पीरियड भी आता है कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेटअप में। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता था, बाकी अगर इन जनरल बाकी तरह की बॉडीज पर अगर फोर्स देखना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह का डिस्कशन होता है, एक डिस्कशन होता है कि अलग अलग तरह की चार्ज बॉडीज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, एक वो होता है, और एक होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो अभी पहले हम वो डिस्कशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है एफ इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो चार्ज पार्टिकल अगर कोई क्यू है पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इन टू ई, अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई हो जाएगा, अगर क्यू नेगेटिव है तो फोर्स हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई, सिंपल सी बात है। तो अब इसी पे बेसिस पे लेट्स एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है। इसमें देखो बोल रखा है कि एक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम्स, इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दे रखा है,
एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक कोई सस्पेंशन पॉइंट रहा होगा, इस सस्पेंशन पॉइंट से हमने एक पेंडुलम अटैच कर दिया है, पेंडुलम का एक स्प्रिंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से इस डायरेक्शन में है, और एक ग्रेविटेशनल फील्ड तो नीचे की तरफ है ही, तो अगर यहां से चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे, और ये अगर पॉसिबली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज सिर्फ ऐसे बोल रखा है तो पॉजिटिवली मान लेंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा एमजी नीचे की तरफ और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो इफेक्टिवली फिर जो पेंडुलम होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल विद द वर्टिकल बताना है, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो सिंपल सा है कि इसमें हम फोर्स बैलेंस कर लेंगे, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसका मास अगर एम है तो एम जी एक फोर्स लग रहा होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो वो ई हमें गिवन है, तो जी की वैल्यू गिवन है तो वहां से एम जी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो यहां से क्यू ई से इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, और फिर एक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, और वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो अगर हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा वर्टिकल में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एक हॉरिजॉन्टल में बन जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से एंगल बताना है तो डिवाइड करके टैन थीटा निकाल लेंगे, तो टैन थीटा क्या बन रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू इन टू ई अपॉन एम जी। तो इसमें सब कुछ दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, जी भी दे रखा है, सबकी वैल्यूज डालोगे, सबकी वैल्यू ध्यान रखना है कि एसआई में डालना है, एसआई में, तो ऐसे मास की जगह क्या डालोगे, ये 2 ग्राम जो है इसको डालोगे 2 × 10⁻³ डालोगे एसआई यूनिट में, ये 5 μC है तो इसको डालोगे 5 × 10⁻⁶ डालोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये एसआई यूनिट में ही तो ऐसे डाल दोगे, और जी भी एसआई यूनिट में दे रखा है तो ऐसे डाल दोगे, तो वहां से तुम्हें थीटा की वैल्यू मिलेगी। आंसर एक बार चेक कर लेना वैल्यूज डाल के, आंसर मैंने सारे क्वेश्चंस में आंसर लिख दिया सो दैट मैं किसी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बट तुम्हें फाइनल कैलकुलेशन करके घर पे जब करोगे एक बार तुम्हें आंसर निकालना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मेंस का क्वेश्चन है, बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी सिर्फ पार्टिकल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है हर जगह पे, सेम ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी रीजन की बात हो रही है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना लेगा, वो लेगा क्यू इन टू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा, और इस कारण से इसका एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहां भी पार्टिकल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है और क्यू और एम तो कांस्टेंट है ही, तो फिर ये एक्सेलरेशन जो होगा इसका एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और इसमें फिर बोल रखा है चार्ज पार्टिकल रिलीज किया गया, रिलीज किया, तो रिलीज वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि यहां पर हमारे पास पार्टिकल है और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज कर दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रिलीज करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इसका एक्सेलरेशन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और एक कांस्टेंट होगा, तब तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता जाएगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ होगा। तो फिर वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ एक्स बताना है, तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन मोशन लगा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहां से ये तो जीरो है यू स्क्वायर, तो वी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2ax। तो ये एक्स अगर देखोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो फिर एक कुछ पैराबोला जैसा ग्राफ होगा और वो ग्राफ का सही आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, इसमें अगर कुछ ऐसा होता कि अगर हम रिलीज करने के बाद, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो यहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया, पैराबोलिक मोशन भी हो सकता है, पैराबोलिक मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, पैराबोलिक मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमने कुछ ऐसा लिया कि एक चार्ज पार्टिकल है, अच्छा किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक कॉन्स्टेंट फोर्स के अंदर मूव करा रहे हैं तो या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है या पैराबोलिक मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन कब होता है, या तो हमने रिलीज करके छोड़ दिया जैसे ये वाला केस था, या तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ऐसा दिया कि वो फोर्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, या तो फोर्स के ही डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा।
लेकिन अगर ऐसा है कि फोर्स के साथ किस फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी में कुछ एंगल है तो फिर वो मोशन जो है दैट विल बी पैराबोलिक मोशन। तो उसके लिए एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि मान लो हमने ऐसा किया कि एक पार्टिकल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दिया यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की तरफ है, तो इसका मोशन फिर कैसा होगा? ये चार्ज पार्टिकल को अगर हम छोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये पैराबोलिक मोशन करेगा, पैराबोलिक मोशन। तो ये एनालॉगस टू मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, बस जहां पे कुछ नहीं मेंशन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर मैंने लेट से इस डायरेक्शन को एक्स ले लिया और इस डायरेक्शन को वाई ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा यू एक्स हो जाएगा यू, यू वाई हो जाएगा जीरो, एक्स हो जाएगा जीरो और ए वाई हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ई अपॉन एम। तो इसके बाद जैसे हम पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे डिस्कस करते हैं, इसका भी डिस्कशन कर सकते हैं। पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम ये सारा आंसर कर सकते हैं कि हम एक्स एंड वाई में मोशन को ब्रेक करके एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, दैट वॉज अगेन ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम अभी वही टॉपिक्स ले रहे हैं जिससे जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, ये डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, ठीक है, तो इसमें अगर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, तो ये तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको हम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोले तो ये कुछ के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा। अच्छा, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर में डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड यहां से आ गया, मैग्नीट्यूड मान लगा दिया। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन के लिए ये रेडियली रेडियली आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, अगर क्यू पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और रेडियली इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा फॉर नेगेटिव क्यू, ये होगा। तो या तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो फिर डायग्राम अगर गिवन है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड बना लेंगे और वहां से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। या फिर कभी कभी अगर वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ जाता है कि लेट्स से हमें पॉइंट्स चार्जेस कहीं कहीं रख दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डायग्राम कुछ नहीं बना रखा है, तो फिर वेक्टर फॉर्म से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ये हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देता है। इसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो क्यू डाल रहे हैं ना, क्यू ये फिर हम विथ साइन डालते हैं, क्यू विथ साइन डालते हैं, विथ साइन डालते हैं, और यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, जैसे चलो इसको हम समझने के लिए क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एग्जाम का है, वो क्वेश्चन है कि दो चार्जेस दे रखे हैं, दो पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वाई इक्वल टू 3 meters पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वाई इक्वल टू 3 meters पे। तो फिर अगर हमने सिचुएशन बना लिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों के कारण निकाल कर वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो अभी मान लो मैं एक के कारण निकाल के दिखा रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मान लो एक पार्टिकल रखा हुआ है q1 रखा हुआ है x इक्वल टू 1 पे, तो मैं q1 रख लेता हूं, q1 यहां पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू 1 है तो 1, 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। और एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है q2 यहां पे रखा हुआ है, q2 बोल रखा है x इक्वल टू 4 पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। हमें बताना कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है y एक्सिस का एक पॉइंट है, y एक्सिस का यहां पे एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कैसे है तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है y इक्वल टू 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। ये है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म सिंपल ही होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, लेट्स से अगर मैं q1 के कारण देख रहा हूं तो q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर यहां से इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर अगर हम q1 से ड्रॉ कर ले, ये वाला पोजिशन वेक्टर, ये अगर पोजिशन वेक्टर r है तो फिर हम वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या था, तो उसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिख रहे हैं ड्यू टू q1, अगर मैं सिर्फ दिखा रहा हूं ड्यू टू q2 के कारण तुम निकाल के फिर वेक्टोरियली ऐड कर लो, ड्यू टू q1 अगर मैं देख रहा हूं तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से मैं e1 वेक्टर लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा k q
Q1 अपॉन, अगर ये इसको मैं R1 वेक्टर बोल रहा हूं तो R1 का स्क्वायर और इनटू R1 कैप, ये बन जाएगा। तो R1 कैप विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे दो ऑप्शन है, या तो Q1 पॉजिटिव, यहां पे हमें साइन के साथ डालना, तो अगर Q1 में पॉजिटिव डालूंगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड R कैप के डायरेक्शन में आएगा, और R कैप जो है वो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उसको रेडियली आउटवर्ड वेक्टर है। तो अगर Q पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड R कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो रेडियली आउटवर्ड को सेटिस्फाई करेगा, और अगर Q नेगेटिव है तो वो फिर माइनस R कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो कि अगेन रेडियली इनवर्ड को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें बस यही करना है कि यहां पे इस Q1 को पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहां पे R1 वेक्टर क्या होगा, तो R1 वेक्टर दिख रहा है ना, R1 वेक्टर अगर देख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास माइनस आई कैप और प्लस 3j कैप, ये R1 वेक्टर आ रहा है। तो अब इसमें क्या करोगे, सब कुछ वैल्यूज डाल दोगे तो वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज R1, तो R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √10, R1 √10 हो जाए, तो उसमें डाल दोगे। R कैप कैसे लिखोगे, तो R कैप हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहां से R1 और R कैप डाल दोगे, इसमें k की वैल्यू डाल दोगे, Q1 को क्या डालोगे, तो Q1 हमारे पास पॉजिटिव ही था, Q1 पॉजिटिव था, तो Q1 की जगह प्लस √10 डाल देंगे, प्लस √10 और माइक्रो कूलम्स है, यानी कि 10^-6। तो ये तीनों चीजें इस इक्वेशन में डालोगे, इस इक्वेशन में, तो यहां से तुम्हें E1 वेक्टर मिल जाएगा। सिमिलरली E2 वेक्टर निकालोगे, Q2 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो पहले R2 वेक्टर लिख लोगे, R2 वेक्टर उसके इसमें क्या हो जाएगा, वो देख सकते हो, वो जाएगा -4i कैप + 3j कैप हो जाएगा। तो फिर R2 कैप एक निकाल लोगे, और Q2 चूंकि नेगेटिव साइन दे रखा है, इसका ध्यान रखना कि Q2 नेगेटिव साइन दे रखा है, यहां पे -25 माइक्रो कूलम्स दे रखा है, तो फिर जब Q2 की वैल्यू डालोगे तो वो माइनस डालोगे, और माइनस विल टेक केयर ऑफ कि R2 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो बताएगा कि वो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज Q2 इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड, और डायग्राम से बता सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे वो भी हमने देख लिया, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक ये डिस्कशन देखते, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का ही आया क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा स्मार्टली हमें सॉल्व करना चाहिए, जैसे वैल्यू देखो चार्जेस की वैल्यू, और हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग एक्स डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, एक्स ओरिजिन पर सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस बार ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, तो हम मैग्नीट्यूड के लिए KQ/R² यूज कर लेंगे, और डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस चार्जेस को देख के रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो देखते हैं, तो यहां पे पहले ये देखो कि ये 2Q है और ये -2Q है, तो 2Q के कारण किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे, 2Q के कारण अवे होगा, और -2Q के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर सिर्फ इस 2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ई बोल रहा हूं, तो ई की वैल्यू क्या होगी, सोचो ई की वैल्यू K × 2Q अपॉन जो भी इसका रेडियस है d² हो जाएगा, और -2Q में चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो सिर्फ डायरेक्शन इधर ही रहेगा, यानी इफेक्टिवली मैं इस 2Q और इस -2Q को अकाउंट में ले लूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 2E हो जाएगा, 2E, जहां पे E हम लोग किसको बोला है, E बोला है हमने K × 2Q/d², इसको अगर हमने E बोला है तो 2Q और -2Q मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड 2E हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखोगे तो ये -4Q है, तो इस -4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो इधर होगा। और ये कितना होगा, इसको अगर मैं लेट से E' बोल रहा हूं, तो ये E' की वैल्यू कितनी होगी, E' तो हो जाएगा K × मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो हमने दिखा लिया, मैग्नीट्यूड वाइज 4Q/d², ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखोगे तो ये 2E के बराबर है, यानी कि E′ = 2E। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, और उसका भी एक्स कॉम्पोनेंट हमें ढूंढना है, तो यहां पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही आ गया, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2E cos 30°। तो बस E की वैल्यू डालोगे, cos 30 डालोगे, तो वहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना है, कि सबका लिखने के बजाय थोड़ा किसी का मान लिया E और उसके टर्म्स में बाकी का देख लिया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछा गया है, जीरो कहां पे होगा, और दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं
तो ये भी एक काफी कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ x इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इसको x इक्वल टू जीरो मान लूं तो यहां पे रखा हुआ है 8q, और एक पॉइंट चार्ज है x इक्वल टू l, x इक्वल टू l, और यहां पे चार्ज रखा हुआ है माइनस ऑफ 2q, ऐसा है, ठीक है। तो 8q रखा है x इक्वल टू जीरो पे और माइनस 2q रखा हुआ है x इक्वल टू l पे। तो बताना है कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट व्हिच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो। तो एक्स एक्सिस पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसमें अब थोड़ा ध्यान ये देना है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते, लेट्स से अभी अभी तो नेगेटिव है, बट मान लो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और फिर इसको फिर वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे लाऊंगा। अभी मैंने इसको मिटा दिया, लेट्स से दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होता। तब तो इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग था उसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, कहीं बीच में जीरो हो जाता, कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, ठीक है, यहां पे कहीं जीरो हो जाता। क्यों जीरो होता? बिकॉज दोनों के कारण अपोजिट डायरेक्शन होता। जैसे इसको अगर मैं लेट से इस चार्ज को 1 बोलूं और इस चार्ज को अगर मैं 2 बोलूं, तो 1 के कारण इधर होता E1 और 2 के कारण इधर होता E2, और फिर दोनों एक दूसरे को बैलेंस जहां पे करते वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। 2q के राइट में कहीं जीरो नहीं होता, बिकॉज 2q के राइट में अगर हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो दोनों ही चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ ही होगा, तो फिर एक ही डायरेक्शन में, तो एडिशन जीरो नहीं होगा। 8q के लेफ्ट में जाएंगे तो अगेन दोनों के कारण लेफ्ट में ही होगा, तो फिर से जीरो नहीं होगा। तो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम साइन के चार्जेस हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन पे जहां पे जीरो होगा वो दोनों के बीच में कहीं पे जीरो होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये नहीं है। तो अभी मैं इस वाले सिचुएशन को थोड़ा डिलीट करता हूं, वो ये क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज नॉट दिस क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बोल रखा है कि ये वाला जो चार्ज है माइनस टू क्यू है। तो अब अगर बीच वाला रीजन देखूंगा तो बीच वाले रीजन में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा कि E1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E1 इधर होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और E2 जो होगा माइनस टू क्यू वो उसके कारण टूवर्ड्स, तो वो भी इधर ही हो जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं 8q के लेफ्ट में देखूं तो यहां पे E1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट में, और E2 जो होगा वो इधर होगा, E2 इधर होगा, लेकिन जीरो हो सकता है क्या? तो 8q के लेफ्ट में दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपोजिट आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो पाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 8q अगर देखोगे तो 8q का चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी 8q का ही कम है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r², तो चार्ज ज्यादा होना इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा करता है और डिस्टेंस कम होना भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा करता है। तो दोनों ही चीजें 8q के ही फेवर में, कि 8q का चार्ज 2q से ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज और डिस्टेंस भी 8q का ही कम है, तो इधर हमें E1 और E2 बराबर नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इन्फिनिटी से पहले नहीं मिल पाएगा। इन्फिनिटी पे तो दोनों के कारण जीरो होगा, तो वो तो इन्फिनिटी पे तो जीरो होगा ही, इन्फिनिटी पे तो किसी भी सिस्टम, अगर फाइनाइट सिस्टम है, फाइनाइट सिस्टम के कारण इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगा ही, बट अभी हमें फाइनाइट डिस्टेंस पे ढूंढना है, तो इधर नहीं हो पाएगा। माइनस टू क्यू के राइट में देखेंगे तो इधर हो सकता है, क्योंकि इधर अगर देखोगे तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और 2 के कारण लेफ्ट में होगा, 2 के कारण। और यहां पे एक चीज 1 वाले चार्ज की फेवर में है कि उसका चार्ज ज्यादा है, बट दूसरा जो डिस्टेंस है वो 2q का कम है, तो दूसरी चीज उसके फेवर में है। तो फिर यहां पे ये E1 equal to E2 होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट व्हिच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट के लिए x equal to 0 वाला जो है वहीं से डिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहां से अगर हमने डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लिया, लेट्स से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ले लिया x, तो फिर क्या इक्वेशन बन जाएगा? इवन इनटू मैग्नीट्यूड बराबर करना है, तो k इनटू 8q अपॉन x² इज इक्वल्स टू k इनटू 2q, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया, अपॉन यहां से हो जाएगा x माइनस l बचेगा k स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से फिर ये k q तो कैंसिल ही हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, और फिर मैंने अगर रूट ले लिया तो रूट लेने के बाद ये बन जाएगा 2 × x - l Equals to x, ये बन जाएगा। तो यहां से आ रहा है 2x - 2l equals to x, तो यहां से आ रहा है x equal to 2l। तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो पहले ऐसे केसेस में अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो पहले तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो किस रीजन में रहा है, उसको थोड़ा लॉजिकली पहले सोचोगे और फिर इक्वेट करके निकाल लोगे वो पॉइंट। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्जेस। अभी हमने पॉइंट चार्जेस चार्ज के कारण देखा, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/r² है। कंटीन्यूअस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि पॉइंट एलिमेंट्स लेकर और इंटीग्रेट करके निकालते हैं, तो वो सब तुमने कर रखा होगा।
उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है रिजल्ट, वो फिर हमें याद रखना है, और वो कुछ ही बॉडीज के कारण याद रखना है। जैसे करते समय हम क्लास में तो काफी तरह की बॉडीज के कारण करते हैं, बट फाइनली जो मेंस में क्वेश्चन आता है वो कुछ स्टैंडर्ड तरह की बॉडीज के कारण ही आता है, तो उसका भी अगर याद करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर किसका किसका याद रखना है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। एक है इन्फिनिट लाइन चार्ज, इन्फिनिट लाइन चार्ज के कारण इसको अगर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 2k लैम्डा बाय आर, ये याद होना चाहिए, रेडियली अवे होता है फ्रॉम द इन्फिनिट लाइन चार्ज। चार्ज रिंग के कारण ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको याद रखना है कि अगर एग्जिस्टेंस जा रहे हैं तो ये बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये याद होना चाहिए। मैंने थोड़ा लिख दिया है, ये तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, तो इसके कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण फिर अंदर वाले पॉइंट तो जीरो होता है, और ये जो भी बात करिए सब यूनिफॉर्म बॉडीज के कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल को होलोस्फेयर भी होता है, यानी कि सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, होलोस्फेयर अगर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर में वो पॉइंट चार्ज एट द सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए फिर एक्सप्रेशन ये बनता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें ध्यान होना चाहिए। सॉलिड स्फेयर का ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्फेयर का क्या होता है कि अंदर वाले पॉइंट पे इसका ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर के टर्म्स अगर याद करोगे तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के, और बाहर वाले पॉइंट्स पे तो ये नॉर्मल अपना एक पॉइंट चार्ज एट सेंटर की तरह बिहेव करते हैं। तो यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक अगर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, चाहे वो होलोस्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो फिर वैसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे निकालने के लिए उनको हम पॉइंट चार्ज एट सेंटर की तरह मान सकते हैं, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए नहीं मान सकते हैं। अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, तो स्फेरिकल शेल है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जिस भी फॉर्म में तुम याद करो वो ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सब देख लेते हैं जो कंटिन्यूअस तरह की बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो एक तो ये रिंग वाला, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट द डिस्टेंस एच फ्रॉम इट सेंटर चार्ज रिंग के लिए। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि आर बाई रूट टू पे होता है, आर बाई रूट टू, यानी कि अगर ये रिंग है तो इस रिंग से यहाँ पे आर बाई रूट टू डिस्टेंस दूर जाएंगे अगर यहां से यहां, तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी अगर ये पूछा गया, तो उसके लिए क्या करना है कि जो एक्सप्रेशन था उसमें ये डाल देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या था, के क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या डालेंगे, आर बाई रूट टू, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आर बाई रूट टू, तो आर बाई टू हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये डाल रहे हैं। इसमें एक्स की वैल्यू हमने आर बाई रूट टू डाल दी, बिकॉज आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो ये अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि या तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम है, या फिर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये दोनों में से जो भी पूछा गया अकॉर्डिंगली हम आंसर कर सकते हैं। तो ये जो मेंस का पैटर्न है ना, इस मेंस के पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं काफी स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर करके रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके एक बार घर पे भी रखो कि कैलकुलेशन आएगा तो फिर कैसे करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। एक ये वाला क्वेश्चन, सेमी सर्कुलर रिंग दे रखा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है 2k लैम्डा अपॉन ये होता है, और इस क्वेश्चन में लैम्डा चार्ज पर लेंथ है, ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग, तो हाफ रिंग के फुल रिंग के सेंटर पे तो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होता है। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना है। जहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या डालोगे, तो लैम्डा डालोगे क्यू, टोटल चार्ज क्यू दे रखा है तो क्यू अपॉन कितना लेंथ पे है ये चार्ज, तो इसके पेरिमीटर का हाफ पाई आर, इसका लेंथ जो है दैट इज पाई आर, तो वो डालोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा और डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा। एक हाफ रिंग वाला भी ध्यान रखना है रिजल्ट, और एक क्वार्टर रिंग वाला, क्वार्टर रिंग, तो क्वार्टर रिंग वाला रिजल्ट ये होता है कि अगर लेट से ऐसा क्वार्टर रिंग हमने बना लिया, यानी कि एक रिंग को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्वार्टर रिंग है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और रेडियस आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट इधर होता है के लैम्डा बाय आर, और एक कंपोनेंट इधर होता है के लैम्डा बाय आर। तो इस रिजल्ट को भी थोड़ा ध्यान रखना, ये भी कभी आ जाता है के लैम्डा बाय आर। नेट निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा ई नेट, और ये कितना आएगा, ये तो एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, और ये बन जाएगा के लैम्डा अपॉन आर रूट टू। तो रिंग के केसेस में हाफ रिंग और क्वार्टर रिंग, इनके रिजल्ट्स भी ध्यान रखने हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, तो अभी अभी थोड़ा हम जल्दी लेकर रहे हैं, बिकॉज हमें थोड़ा लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लगभग 1.5 आवर्स का टाइम है जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा रिवाइज करने की कोशिश करनी है। तो अभी अभी तुम थोड़ा समझते जाओ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी लिख नहीं पा रहे हो तो दैट इज फाइन, तुम्हें ये जो अभी चल रहा है वेबिनार ये बाद में भी एक्सेस कर सकते हो, यूट्यूब पे तो रहेगा ही और साथ में तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा जो डिस्कशन हो रहा है उसको कैसे कर रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करो। This is why electric field and the reason shown between them is given by electric field बताने। तो बीच में कोई reason, कोई भी point हमने ले लिया, और कौन सा point ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, because ये infinite planes यानी infinite sheet of charge है। तो infinite sheet of charge के कारण तो electric field एक तरफ अगर देखेंगे तो वो distance से independent होता है, uniform होता है एक तरफ, independent of distance। तो ये distance से independent है तो कहीं भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें अगर डायरेक्शन देख रहे हैं तो एक नीचे वाला है, इसको अगर मैं लेट से वन बोल देता हूं और इसको टू बोल देता हूं, तो वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, तो वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इवन इवन इधर होगा वन के कारण, और कितना होगा, तो इवन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इवन हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है जे कैप, ये इवन होगा। ई टू क्या होगा, सेकंड वाले शीट के कारण, तो सेकंड वाले शीट के कारण अगर देखेंगे तो उस शीट के परपेंडिकुलर होगा, तो उस शीट से परपेंडिकुलर अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया तो इस डायरेक्शन में होगा E2, उस शीट के परपेंडिकुलर E2 इस डायरेक्शन में होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसका अब अगर देखूंगा तो फिर इसके कॉम्पोनेंट्स हमें देखने पड़ेंगे, आई कैप जे कैप में अगर लिखना है तो इसका अगर मैं कॉम्पोनेंट्स देखूं तो लेट से हमने ये वाला एंगल देख लिया, ये वाला एंगल कितना होगा, ये देखो दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करते तो ये टोटल एंगल थोड़ा, चलो मैं एक नया डायग्राम बना देता हूं, यहां पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो लेट अस ड्रॉ न्यू डायग्राम। टू के कारण निकाल रहे हैं, तो टू वाला जो है वो एक्स एक्सिस ऐसा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 30 डिग्री है, और हमने कोई पॉइंट लिया है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई टू होगा। एंगल अगर देखें तो एंगल में दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, अभी जो मैंने एंगल बनाया है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहां से अगर मैं एक ये लाइन लेता हूं, लेट्स ये वाला लाइन लेता हूं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टू के कारण अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा, दोनों का सेम ही दे रखा है ना, सिग्मा सेम ही, और पॉजिटिव था इसलिए हमने अभी बनाया है दोनों के कारण, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये होगा, और डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक हो जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस आई कैप और प्लस साइन 60 डिग्री माइनस जे कैप, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखना है, ये आई थिंक वाई कैप और ये एक्स एंड वाई जो है वो यूनिट वेक्टर्स दिखा रखे हैं, तो उनके टर्म्स में लिखना है, यहां पे आई कैप जे कैप के बजाय ये एक्स और वाई में दे रखा है, एक्स कैप वाई कैप, ये बेसिकली कैप होनी चाहिए, एक्स कैप वाई कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। I cap, J cap के टर्म्स में लिख लोगे, नेट वेक्टर लिखने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है E net, तो दोनों हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो फिर वेक्टर एडिशन कर दोगे, E1 plus E2, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, इन्फिनिट प्लेट्स में ये सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, तो जब तक मेंशन नहीं है कि कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नॉन कंडक्टिंग के कारण सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो कंडक्टिंग जब तक नहीं मेंशन है तब तक तुम नॉन कंडक्टिंग ही मानोगे, और नॉन कंडक्टिंग का सिग्मा अगर गिवन है तो फिर वो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कंडक्टिंग के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पे सिग्मा एक तरफ का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो वो कंडक्टिंग शीट जब देखेंगे तब आ जाएगा वो। अभी हम इन्फिनिट शीट देख रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म सर्फेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, कुछ नहीं मेंशन है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टिंग ले रहे हैं, और रिजल्ट हम सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कैविटी वाला क्वेश्चन, अगेन कैविटी वाला क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें फिर सॉलिड स्फीयर में अगर कैविटी बनाते हैं तो एक रिजल्ट ये याद होगा कि सॉलिड स्फीयर में जो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म, कैविटी में, इस कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी, कैविटी में यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। और ये सब डेरिवेशन वगैरह तो कर ही रखा है। अप्रोच क्या करते हैं, अप्रोच ये करते हैं कि ये जो कैविटी है, इस कैविटी में हम जो बाहर वाला मटेरियल है, बाहर वाले मटेरियल का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्लस रो और माइनस रो से मिलके बना हुआ है। तो एक प्लस रो वाला बड़ा स्क्वायर मिल जाता है, एक माइनस रो वाला छोटा स्क्वायर मिल जाता है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के वेक्टर एडिशन करते हैं और वहां से आ जाता है कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म है तो किसी भी एक पॉइंट पे निकालेंगे तो सेम ही होगा। जैसे यहां पे किस पॉइंट पे बोल रखा है, एक बोल रखा है कि ए पॉइंट पे, ए पॉइंट है क्या, ए पॉइंट ऑन द एट पॉइंट्स ए एंड बी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। ए पॉइंट अगर देखोगे तो ये इस कैविटी का सर्फेस वाला पॉइंट है, तो इस कैविटी का सर्फेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म होगा। और निकालना कहां पे इजी होगा, तो कैविटी के सेंटर पे निकालोगे तो दैट इज इजी। तो अगर मैंने कैविटी का सेंटर लेट से सी बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा दैट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इजी है बिकॉज सी वाला जो पॉइंट है वो कैविटी का सेंटर है, तो माइनस रो वाला जो हमने स्फीयर छोटा सा लिया उसका वो सेंटर हो जाएगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बिकॉज अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, आर जीरो है तो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ जो बड़ा वाला बचेगा उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो कितना होगा, तो हो जाएगा के क्यू। अब क्यू बड़े वाले का कितना होगा, तो यहां पे रो दे रखा है, तो रो के अगर टर्म्स में लिख लें, या फिर चलो अंदर वाला पॉइंट है ना, अंदर वाला पॉइंट है तो हम उसको वो रो वाला ही फॉर्म यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी है कि अंदर वाला पॉइंट है तो सिर्फ बड़े वाले कारण, और बड़े वाले कारण अंदर वाला पॉइंट है, तो रो आर, आर की जगह आ जाएगा आर बाई टू बिकॉज बड़े वाले का जो सेंटर है, चूंकि कैविटी का रेडियस आर बाई टू दे रखा है, तो फिर कैविटी का जो पेरिफेरी होगा वो फिर बड़े वाले स्क्वायर के सेंटर पे आ जाएगा। तो ए पॉइंट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्फेस जो दिख रहा है, तो रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा, आर की जगह हमने आर बाई टू डाल दिया। तो ए पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके कारण तो अवे डायरेक्शन होगा, ई ड्यू टू प्लस रो, और ये सरफेस वाला पॉइंट है तो बाहर वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, और जो नेगेटिव वाला रो है उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर होगा, तो ई ड्यू टू माइनस रो। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो वो डिफरेंस करके क्या आएगा, तो दोनों के लिए बाहर वाला रिजल्ट हम यूज कर लेंगे। अब थोड़ा डिस्टेंसेस का ध्यान रखो कि मान लो ई ड्यू टू, मैं ये बोल रहा हूँ ई ड्यू टू प्लस रो और माइनस ई ड्यू टू माइनस रो, ठीक है। मैग्नीट्यूड अब हमें लिख देना है, डायरेक्शन हमने वहां पे डायरेक्शन देखिए देख लिया कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कर दिया, अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे बड़े वाले के कारण, तो मैं चलो चलो यहां पे लिख देता हूं कि के इंटू क्यू पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला जो क्यू है के क्यू बाई उसका सरफेस है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा, और माइनस ऑफ के इंटू क्यू माइनस जो नेगेटिव वाला स्क्वायर है, और अपॉन उससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा आर प्लस आर बाई टू, आर प्लस आर बाई टू उसके सेंटर से डिस्टेंस ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर बाहर वाले रिजल्ट हमने यूज कर लिया। अब ये क्यू प्लस और क्यू माइनस वो क्या लिखोगे, तो क्यू प्लस होगा वो जाएगा रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, और क्यू माइनस जब लिखोगे तो हो जाएगा रो और इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन एट, बिकॉज वो आर बाई टू का रेडियस, आर बाई टू रेडियस का स्क्वायर है, और उस पर हमें चार्ज लिखना है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे Q प्लस Q माइनस दोनों में ही हम रो रो ही डाल रहे हैं, माइनस रो ही डाल रहे हैं, बिकॉज माइनस रो का तो इफेक्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, तो उसको हमने ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया डायरेक्शन में, तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड डालोगे तो यहां से ये भी आ जाएगा, और फिर रेशियो निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे तो आई मीन्स का नहीं है क्वेश्चन, बट ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, तो ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, इसका मैंने, ये हमारे मॉड्यूल का ही है, तो इसका रिजल्ट जो फाइनल आ रहा है ये बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट फाइनली आ रहा है सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसे कर रहे हैं, तो ये रिंग एलिमेंट्स लेके कर रहे हैं, तो ये एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि यहाँ पे एक रिंग एलिमेंट ले लिया, और इस रिंग एलिमेंट के कारण एक्सिस वाला रिजल्ट यूज कर लिया, और इस हेमिस्फेरिकल शेल, यानी कि हेमिस्फेरिकल शेल का मतलब कि एक पूरे शेल से आधा पोर्शन काट दिया है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जो होगा वो अवे, तो उसका रिजल्ट यूज करेंगे और इंटीग्रेट करके हम पूरे शेल के कारण निकालेंगे। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली पूछ जाए, अभी तक तो नहीं आया है, बट यू नेवर नो कि हो सकता है किसी जेईई मेन के एग्जाम में डायरेक्टली ये रिजल्ट पूछ दिया जाए।
इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है और ये अवे नीचे की तरफ होता है, तो इस कारण से मैंने ये इसको इंक्लूड कर लिया इसमें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी अभी थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर कॉन्सेप्ट का कुछ कुछ क्वेश्चन तो ले लूं। गॉस लॉ में आ जाते हैं, तो गॉस लॉ होता है क्या, ये सबको पता है कि गॉस लॉ बोलता है कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, इस ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन को हम फ्लक्स भी बोलते हैं, और एक क्लोज साइन लगा रखा है जो कि बताता है कि फ्लक्स टू क्लोज सर्फेस, तो ये फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सर्फेस जो होता है वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू जो होता है दैट इज अ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सर्फेसेस। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि क्लोज सर्फेस होता है तो डीए वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी है वहां वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी ए लेंगे और ऐसे सारे एलिमेंट्स पे लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो ओवरऑल ये बन जाएगा कि किसी भी क्लोज सर्फेस से जो फ्लक्स होगा दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेस इनसाइड द सर्फेस, और वो क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे बोल रखा है कि एक सेंटर ऑफ स्क्वायर के अबव हमने एक ए बाई टू डिस्टेंस पे चार्ज रख दिया, मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं, तो ऐसा है एक हमने स्क्वायर प्लेट ले लिया, स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट के ये स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसा लेट से ऐसा लेते हैं, ये स्क्वायर प्लेट है, ये साइड का स्क्वायर है, और इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर कहीं यहां रहा होगा, तो इसके सेंटर से ए बाई टू ऊपर, ए बाई टू यहां पे जाके हमने एक चार्ज रख दिया है क्यू, और फिर हमें बताना है कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स होगा, और ये ए बाई टू डिस्टेंस है। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ी सिमेट्री का फायदा उठाते हैं, और फायदा इसमें उठाते हैं कि मैं क्या करूंगा कि ये स्क्वायर प्लेट तो है ही, इस तरह का और स्क्वायर प्लेट ले लूंगा और एक क्यूब कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा कि एक क्यूब कंप्लीट कर लूंगा, ये कर रखा होगा, ये मैं बस रिवाइज करा रहा हूं कि एक ऐसा क्यूब क्यूब कंप्लीट कर लिया, क्यूब हमने कंप्लीट कर लिया, तो फिर ये ए साइज का क्यूब बन जाएगा, और ये चार्ज फिर उस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा, दिस चार्ज विल बी एट द सेंटर ऑफ दैट क्यूब, तो फिर पूरे क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा पूरे क्यूब से वो हो जाएगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लेट फिर वन ऑफ द सिक्स फेसेस है, तो सारे फेसेस से इक्वल फ्लक्स होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सबसे फील्ड लाइंस बराबर पास हो रही होंगी, किसी भी पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस जो निकलती हूँ स्फेरिकल सिमेट्री के साथ निकलती हैं, तो सारे फेसेस का लोकेशन इस पॉइंट चार्ज से सेम है, तो सारे फेसेस से इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो फ्लक्स फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, फिर फील्ड लाइंस इक्वल पास करेंगे तो फ्लक्स भी इक्वल होगा, तो सबसे फ्लक्स मिला के क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट है और सारे फेसेस से बराबर है, तो एक फेस से कितना होगा, तो वन अपॉन सिक्स कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक एक अगर मैं ये करूं, लेट्स से एक ऐसा एग्जांपल बना रहा हूं, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया कि ऐसा ये जो था, ये हमारे पास शीट था, और इस शीट से अभी हमने चार्ज कहां पे रखा था, चार्ज इसके सेंटर से यहां ए बाई टू ऊपर हमने एक चार्ज रखा था प्लस क्यू, ए बाई टू ऊपर रखा था। अच्छा व्हाट इफ कि मैं इसके सेंटर से नीचे आके एक और चार्ज रख दूं माइनस क्यू, एक और चार्ज रख दूं, और डिस्टेंसेस दिखा रहा हूं कि डिस्टेंसेस हमने यहां से ये डिस्टेंस जो है दिस इज ए बाई टू, और यहां से ये डिस्टेंस इज ऑल्सो ए बाई टू, ये भी ए बाई टू है, यानी कि हमने प्लस क्यू ऊपर चार्ज रखा और माइनस क्यू नीचे चार्ज रखा। अब पूछा जाए कि अब फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स निकालने के लिए तुम सुपर पोजिशन यूज कर सकते हो कि पहले एक चार्ज के कारण फ्लक्स निकालो, फिर दूसरे चार्ज के कारण फ्लक्स निकालो और दोनों जोड़ दो। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे आंसर देते हैं कि जीरो होगा फ्लक्स, कि ऊपर वाले क्यू और नीचे वाले क्यू से बराबर फ्लक्स होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, बेसिकली फील्ड लाइन से देखोगे, अगर फील्ड लाइन, तो अगर मान लो ऊपर वाले के कारण फील्ड लाइन देखूंगा, ऊपर वाले के कारण फील्ड लाइन कैसे आएगा, ऊपर वाले के कारण, तो ऊपर वाले कारण अगर फील्ड लाइन होगा तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, और जबकि नीचे वाले कारण अगर फील्ड लाइन देखूंगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, यानी किसी पॉइंट अगर देखूंगा, किसी भी इस प्लेट के किसी भी पॉइंट से अगर देखूंगा, तो फील्ड लाइन दोनों के कारण इस सरफेस को फील्ड लाइन पियर्स करके और नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, तो दोनों के फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एडिटिव होगा। तो फिर यहां पे फ्लक्स हो जाएगा कि ऊपर वाले के कारण फ्लक्स होगा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, जैसे अभी निकाला था, और वहां पे नीचे वाले कारण भी क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इंटू टू हो जाएगा, तो ये हमारे पास फ्लक्स टू द शीट हो जाएगा, ये जो स्क्वायर शीट है उससे फ्लक्स ये हो जाएगा। हाँ, अगर ये होता कि ऊपर वाला प्लस क्यू और नीचे वाला भी प्लस क्यू हो, तो फिर इस शीट से फ्लक्स जीरो हो जाता, बिकॉज एक के कारण फील्ड लाइन नीचे की तरफ पास कर रही होती, तो दूसरे वाले के कारण फील्ड लाइन ऊपर की तरफ पास कर रही होती,
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग वो जीरो हो जाता और फ्लक्स जीरो हो जाता। बट अभी चार्जेस अपोजिट साइन के हैं तो फिर एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है। एक ये देखते हैं, एक ये देखते हैं। तो ये अगेन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। रो आर दे रखा है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, और इस स्फीयर पे टोटल चार्ज 2q है, टोटल चार्ज 2q है, और उसकी सर्फ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है कि दैट इज केआर। गॉस लॉ में इस तरह का क्वेश्चन काफी आते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केआर है। अब रखा है कि दो और चार्जेस हैं ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू ईच, दे आर प्लेस्ड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, वो अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट है। तो दोनों पे चार्ज माइनस क्यू है, और फिर हमें बताना है कि अगर इन दोनों पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर ए की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है जो हमसे पूछा गया है। ये ए ए डिस्टेंस पूछा, ए डिस्टेंस क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो मान लो अगर मैंने कोई भी चार्ज रखा है तो उस दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा, कि ए और बी जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं और दोनों लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, फोर्स ए बी के बीच का आपस का फोर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना होगा। तो बोल रखा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे लिखा है एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से ए का डिस्टेंस ए होगा, दूसरे का सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ए होगा, तो दोनों के बीच का आपस का डिस्टेंस वो हो जाएगा 2a। तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर, ये ab के बीच का फोर्स ही हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर जीरो होना है तो फिर ये वाला जो हमारे पास स्फीयर है उसका चार्ज पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा और ये दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसमें अगर हमने केसेस बनाए कि लेट्स अगर आउटसाइड पॉइंट है, अगर आउटसाइड पॉइंट है, दो केसेस बना सकते हैं, एक बार आउटसाइड पॉइंट लेके कर लें, एक बार इनसाइड पॉइंट लेके कर लें। तो अगर हमने आउटसाइड पॉइंट मान लो यहां पे ले लिया कि ए जो है वो बड़ा है, अभी कुछ गिवन नहीं हमें, यानी कि एक हमने एक ए वाला पार्टिकल को यहां रख दिया और बी वाले पार्टिकल को यहां रख दिया, तो इस पे अगर फोर्स देख रहे हैं तो इस पे फोर्स ए बी वाला फोर्स तो इधर लग रहा है एफ ए बी, तो फोर्स जो स्फीयर लगा रहा होगा वो फिर कुछ इधर लगना चाहिए और फिर कैंसिल हो जाना चाहिए इस पे। तो अगर हमने अज्यूमिंग हमने ए को ग्रेटर देन आर अज्यूम कर लिया, यानी बाहर वाला पॉइंट ले लिया, तो फिर अगर हमें नेट फोर्स जीरो दे रखा है तो एफ ए बी इक्वल टू एफ एस अगर कर रहे हैं तो ए बी कितना है, ए बी वाला फोर्स है हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये है, और स्फीयर के कारण कितना लेगा। अच्छा, स्फीयर का जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे तो वो दे रखा है के आर है, के आर का मतलब कि अभी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो बाहर वाले पॉइंट्स पे ये बिहेव करेगा एज पॉइंट चार्ज लोकेटेड सेंटर की तरफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में कैसा हो रहा है, बस स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक स्फेरिकल चार्जेस होंगे वो बिहेव करेंगे एज पॉइंट चार्ज लोकेटेड सेंटर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए तो टोटल चार्ज 2q दे रखा है, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के इंटू 2q अपॉन ए स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस ए ले रहे हैं हम, और इंटू क्यू, ये फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू, तो यहां से ए क्या दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर ये सब कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर। इसमें हम अगर देखें बाहर वाले पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमें बैलेंस, एक मिनट, हमने डिस्टेंस एक मिनट देखते हैं, रेडियस आर है विद अ चार्ज डेंसिटी ये दे रखा है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर। तो ये अब देखते हैं कि ये बराबर हो सकता है क्या, ये इक्वल होना चाहिए, अगर हमें नेट फोर्स जीरो करना है तो इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल तो नहीं दिख रहा है, नॉट इक्वल, ये होना चाहिए बट हमें दिख नहीं रहा, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यानी कि ये बाहर वाले पॉइंट्स नहीं हो सकता, कांट बी आउटसाइड पॉइंट्स, कांट बी आउटसाइड पॉइंट्स, यानी कि हम जो दोनों चार्जेस को रख रहे हैं वो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट्स पर नहीं रख सकते हैं, बिकॉज फिर तो ये दोनों आपस में बराबर दिख नहीं रहे हैं, ये इक्वालिटी होनी चाहिए बट ये तो दिख नहीं रहा है हमें,
तो फिर अंदर वाले पॉइंट्स की बात करेंगे, अंदर वाले पॉइंट्स। तो इनसाइड पॉइंट अगर होगा, इनसाइड पॉइंट, तो इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्फीयर है और जो हमने चार्जेस रखे हैं वो अंदर वाले पॉइंट्स पे रखे हैं, तो एक चार्ज हमने कहीं यहां रख दिया है और एक चार्ज यहां रख दिया है, बाहर वाला पॉइंट तो नहीं सेटिस्फाई किया। और लेट से यहां से ये डिस्टेंस जो है ये ए है और ये डिस्टेंस ऑल्सो ए, तो ये एक चार्ज को हम ए बोल रहे हैं, दूसरे को बी बोल रहे हैं। तो अगेन एफ ए बी तो इधर ही लग रहा होगा, एफ ए बी, एफ ड्यू टू स्फीयर वो इधर लगेगा, और एफ ड्यू टू स्फीयर कितना होगा, एफ ए बी तो फिर से वही बन जाएगा, एफ ए बी विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए का स्क्वायर। एफ ड्यू टू स्फीयर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अंदर वाले पॉइंट पे पॉइंट चार्ज सेंटर की तरह नहीं बिहेव करेगा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो ये क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, और गॉस लॉ का यूज कैसे करेंगे, चूंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो फिर हम ऐसे एक गॉसियन सरफेस लेंगे और इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का एंड फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कुछ ऐसा होगा, और स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा हर जगह पे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा रेडियली आउटवर्ड। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, एक गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। और स्फेरिकल सिमेट्रिक में तो ये अगर हमने लेट से ये डिस्टेंस ए है तो ये आ जाएगा ई इंटू फोर पाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको हम क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज कैसे निकालेंगे, क्यू इंक्लोज्ड, तो क्यू इंक्लोज के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यू इंक्लोज का मतलब है कि हमें यहां से यहां तक का चार्ज निकालना, तो इसमें फिर हम अंदर में एक एक्स रेडियस का डीएक्स थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लेंगे और वहां से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो क्या बनेगा। तो अगर हम एक्स डिस्टेंस जाके इसमें एलिमेंट ले रहे हैं, मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूं कि अगर हमने ये किया कि इसके अंदर एलिमेंट लिया क्यू इंक्लोज निकालने के लिए, हमने ऐसा एक स्फेरिकल शेल एलिमेंट ले लिया, स्फेरिकल शेल एलिमेंट, इसका रेडियस ले लिया एक्स और थिकनेस ले लिया डीएक्स, थिकनेस डीएक्स रेडियस एक्स, तो इसके लोकेशन पे रो कितना होगा, रो क्या दे रखा है, रो दे रखा है केआर, केआर दे रखा है। तो अगर एक्स डिस्टेंस जा रहे हैं तो हो जाएगा के एक्स और इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये हो जाएगा एक शेल एलिमेंट में चार्ज, ठीक है। और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू ए, तो यहां से इंक्लोज आ जाएगा। अच्छा ये जो के है दैट इज डिफरेंट, इसको मैं के डैश बोल रहा हूं बिकॉज ये तो डिफरेंट है, वो के वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के नहीं, ये कुछ के डैश है, तो ये क्यू इंक्लोज आ जाएगा। और फिर हम ये निकालेंगे कि e इंटू फोर पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा इसमें के डैश अननोन होगा, के डैश निकालने के लिए जो टोटल चार्ज टू क्यू दे रखा है ना, टोटल चार्ज उसका यूज करेंगे, टोटल चार्ज दे रखा है टू क्यू, तो टू क्यू का एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि के डैश इंटू एक्स इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो जीरो टू कैपिटल आर में अगर हम चार्ज निकालेंगे तो वो टू क्यू है, तो इसको यूज करके हम के डैश निकाल सकते हैं जो कि इसमें रिप्लेस करेंगे, तो वहां से ई आएगा और फिर एफ एस, और इसको हम बराबर कर देंगे जो हमने यहां पे निकाला है ना, कि बेसिकली हमें बोल रखा था कि कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहां से हम एफ एस और एफ ए बी इनको इक्वेट करेंगे, तो वहां से फिर हमें ए आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मैंने अप्रोच बता दिया, कैलकुलेशन मैं अभी नहीं कर रहा था, अप्रोच बता दिया, ये तुम खुद से कर सकते हो। सब एक ये क्वेश्चन आया था, गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये एक्सप्रेशन है, गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बताते हैं, तो ये कब वैलिड है ये पूछा गया, कब वैलिड है। तो स्टार्टिंग पर जैसे अभी हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया उसमें क्या करते हैं कि गॉस लॉ यूज करके अगर हम निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं कि फ्लक्स लिखते हैं, तो फ्लक्स हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ये फ्लक्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ही बोलते हैं, और यहां से फिर हम निकालना चाहते हैं। अब ये तो हमेशा वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड है, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये तो हमेशा वैलिड होगा, कोई भी क्लोज सर्फेस होगा हमेशा ही वैलिड होगा। लेकिन फिर अगर मैं इसको आगे बढ़ के
ई इन टू ए लिख रहा हूं और फिर इसको क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर रहा हूं, तब जाके ये एक्सप्रेशन मिलेगा। जो ये एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन यहां से मिला होगा कि मैंने यहां पे E डॉट डी ए के इंटीग्रेशन को E इंटू ए लिख दिया, E इंटू ए। तो ये लिखने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये लिखने के लिए होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन में E बाहर निकलना है, यानी कि पहले मैं E डी ए कॉस थीटा लिखूंगा और वहां से E बाहर निकालूंगा, E डी ए कॉस थीटा लिख के E बाहर निकालूंगा, ठीक है। और कॉस थीटा भी सारे पॉइंट्स पे, चूंकि डीए का इंटीग्रेशन, अगर मान लो ये इंटीग्रेशन क्या है, E डॉट डी ए का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको आगे बढ़ के ई इंटू ए लिख रहा हूं, तो ये लिखने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए कि ये ई बाहर निकलना चाहिए, एक होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू भी वन हो जानी चाहिए, तभी तो डीए का इंटीग्रेशन फिर टोटल एरिया देगा। तो ये हमें कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दिस शुड बी कॉन्स्टेंट, और ये कॉस थीटा की वैल्यू वन होनी चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू वन होने का मतलब कि ई जो है वो डीए के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फिर ये अगर डीए के डायरेक्शन में, यानी कि जो भी हम सरफेस ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, हर जगह उस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह परपेंडिकुलर है तो वो गॉसियन सरफेस जो होगा दैट विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और उस पूरे सरफेस पे ई को भी हमें कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट ऑन द सर्फेस होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ई, की अगर मैं गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये बना पा रहा हूं जो दे रखा है, तो बताने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए सो दैट कॉस थीटा की वैल्यू वन बन जाए हर जगह पे, हर जगह पे वन बननी चाहिए, तब जाके डीए का इंटीग्रेशन टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हर जगह कॉस थीटा की वैल्यू वन होने के लिए थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री होनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर अगर पैरेलल है दैट मींस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए और ये ई बाहर निकलना चाहिए, यानी कि उस पूरे सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तब जाके एक्सप्रेशन मिलेगा। बट हाँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ना, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑलवेज वैलिड, लेकिन इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन को ई इंटू ए लिख पाए, उसके लिए कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन आया हुआ है, गॉस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार का ही मेंस का ये क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी इसी साल का, मैं तो जो आठ क्वेश्चन मैं बोल रहा था उस आठ में से दो क्वेश्चन गॉस लॉ के ऊपर आ गए, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि फ्लक्स निकालना है हमें दो सरफेस के थ्रू, फाइ वन है फ्लक्स थ्रू एबीसीडी, एबीसीडी कौन सा सरफेस है, तो एबीसीडी ऊपर वाला सरफेस है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रखा है, बट अगर ऊपर वाला एबीसीडी अगर देखोगे तो एबीसीडी के लिए तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर के कैप के डायरेक्शन में होगा इसका। तो अगर एरिया वेक्टर के कैप के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आई कैप और जे कैप में है, तो फिर एबीसीडी से तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा, फाइव वन विल बी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आई कैप में है और जे कैप, एक आई कैप कंपोनेंट है एक जे कैप कंपोनेंट है, लेकिन एरिया वेक्टर हर जगह के कैप में है ऑन द सरफेस ऑफ एबीसीडी, जो एबीसीडी वाला सरफेस है, तो फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और फाइव टू अगर निकाल रहे हैं, फाइव टू कौन सा सर्फेस दे रखा है, बीसीजीएफ, बीसीजीएफ कौन सा सर्फेस है, बीसीजीएफ ये वाला सर्फेस है, तो इस वाले सर्फेस का एरिया वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, आई कैप में है, आई कैप में, तो इसका अगर फ्लक्स लेंगे तो जे कैप वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप वो जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स सिर्फ आ जाएगा फोर एक्स आई कैप और डॉट इसका एरिया कितना है, तो ये साइड ऑफ साइड कितने साइड का ये क्यूब बन रहा है, क्यूब का साइड अगर देखोगे इसका एरिया कितना है, टू टू इधर है इसका डायमेंशन और इधर की तरफ थ्री है, ये साइड टू दिख रहा है क्योंकि जो हमारे पास जेड क्वाड्रेंट में डिफरेंस है वो इधर वाला साइड हो जाएगा और इधर वाला साइड दिखेगा हमें वाई क्वाड्रेंट में डिफरेंस, ठीक है, जस्ट जेड क्वाड्रेंट यहाँ पे टू था और यहाँ पे जीरो, तो टू मिल गया। इधर वाला साइड, ये साइड लेंथ अगर देख रहे हैं तो ये साइड लेंथ में हमें वाई क्वाड्रेंट का डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इसका वाई क्वाड्रेंट है, इसका वाई क्वाड्रेंट है जीरो और इसका वाई क्वाड्रेंट है टू, तो ये भी टू है यानी कि फोर है ये, तो फोर और आई क्या ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, सॉरी फोर एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स, सिक्स, फोर का स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि सिक्सटीन एक्स, सिक्सटीन एक्स ये बन रहा है, This is coming out to be 16x. और x की वैल्यू कितनी है इस सरफेस के लिए? x की वैल्यू तो x x तो कांस्टेंट ही है ना? ये वाला जो सरफेस उसके लिए x कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3 है। तो 16 into 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48. ये फ्लक्स हो जाएगा। और phi1 minus phi2 लिखना है, तो फिर minus 48 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो गॉस लॉ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा केयरफुली करना है। तो गॉस लॉ में
कभी कभी चार्जिंग क्लोज वाले कॉन्सेप्ट से फ्लक्स निकालते हैं, और कभी कभी ऐसा इस तरह का भी क्वेश्चन दे देगा जिसमें तुम्हें सरफेस बाय सरफेस फ्लक्स वाले डेफिनेशन को यूज करके निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज और करना कि तुम सारे सर्फेस से फ्लक्स निकालना। जैसे इसमें क्या पूछा था कि सारे सर्फेसेस, मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं कि फाइंड फ्लक्स टू ऑल सर्फेसेस, फ्लक्स टू ऑल सर्फेस, सारे सर्फेस से फ्लक्स निकालना। तो सारे सर्फेस में दो सर्फेस तो हमने निकाल लिया, बाकी चार सर्फेसेस और है, टोटल छह सर्फेस होगा क्यूब का। और फिर उसके बाद निकालना फाइंड चार्ज इंक्लोज्ड इन द क्यूब, चार्ज इंक्लोज्ड इन द क्यूब, क्यूब में कितना चार्ज इंक्लोज हुआ है। तो ये भी निकालना, ये दोनों चीजें तुम खुद से निकालना। तो चार्ज एक बार फ्लक्स मिल गया पूरे क्यूबिकल सरफेस से, तो फिर चार्ज इंक्लोज के लिए फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, कर लेंगे वहां से क्यू इंक्लोज आ जाएगा। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ जो गवर्निंग इक्वेशन है वो हमने लिख लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड से रिलेटेड होता है, और फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है VA-VB = E·dr·A·B। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर तुम VA-VB लिख रहे हो तो लिमिट्स डालोगे A·B, ठीक है, और विदाउट माइनस साइन। कभी ये भी करते हैं कि आप एक माइनस साइन डालते हैं और फिर लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर माइनस साइन नहीं डाला है तो VA-VB में जो ए वाला टर्म है वो लोअर लिमिट आएगा और बी वाला टर्म अपर लिमिट आएगा। डिफरेंशियल फॉर्म ये है E·dr·dr। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E·ab हो जाता है, जहां पे अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए बी वेक्टर ये वाला वेक्टर होता है, ए बी वेक्टर ये है। तो अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये अगर एंगल थीटा है, तो फिर ये बन जाएगा VA-AB, ये आ जाएगा E·ab और cos θ E·ab। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल देके फील्ड पूछ दिया, और एक आता है फील्ड देके पोटेंशियल पूछ दिया या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया। तो दोनों तरह का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन लिया अगर, तो इसमें बोल रखा है कि पोटेंशियल दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो पोटेंशियल का इक्वेशन ये है 20/(x²-4), ये पोटेंशियल का फंक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया एट x = 4 μm। तो फिर क्या करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिलेशन हो जाएगा E·(−dv/dx). अगर x डायरेक्शन में सिर्फ वेरिएशन है तो −dv/dx, सिर्फ x डायरेक्शन वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड −dv/dx हो जाएगा। और फिर तुम्हें निकालना है कहां पे, तो इसमें क्या करोगे कि ये डिफरेंशिएट कर लोगे और इसमें फिर डालोगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद फिर डालोगे तुम x = 4 μm, तो 4 माइक्रोमीटर डाल दोगे। और यहाँ पे यूनिट चूंकि वोल्ट पर माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर में ही डालो, यानी x = 4 डाल दोगे सीधा, यूनिट तुम ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि यूनिट्स जो माइक्रोमीटर में ही दे रखा है, तो ये डालोगे। अच्छा, इसमें अगर पॉजिटिव आया, ये हो सकता है कि पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, दोनों हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आई कैप डायरेक्शन में होगा, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो −i डायरेक्शन में होगा। तो पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है तो तुम E·dv/dx कर लो, उस एक्सप्रेशन में फिर x की वैल्यू डालो, और x की वैल्यू डालने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव जो आ रहा है उससे फिर डिसाइड होगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये भी कर लोगे तुम खुद से। एक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अब ये उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और फिर पोटेंशियल हमसे पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है और फिर पोटेंशियल पूछा गया है, तो इसमें हम यही करेंगे V1-V2। तो V1-V2 −(\\ integral)·E·dr। तो यहाँ पे E·dr और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास x में ही है, तो मैं सीधा लिख देता हूं इसको AX + BI·, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया .dr। तो सिर्फ x डायमेंशन की बात हुई तो dr को मैं dx i कैप लिख देता हूँ, dx i कैप ये आ जाएगा। और वन वाला पॉइंट कौन सा है, तो x = 1 जो है दैट इज V1। तो अभी हमने देखा था कि a अगर यहां पे था तो नीचे 1 वाला होता है और ऊपर में होता है −5, ये बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेट कर दोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा कि यहां पे ये फर्स्ट वाला जो टर्म था उसको हमने लोअर लिमिट डाला, जो सेकंड वाला टर्म था वो अपर लिमिट, अभी हमने देखा था ना, ये देखो पिछले वाले साइड में। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लिमिट्स क्या डालेंगे, तो यहां पे VA-VB था तो लोअर लिमिट a था और अपर लिमिट b था, अगर मैं E·dr कर रहा हूं तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, i·i·1 हो जाएगा, तो x dx, ये बन जाएगा A·x²/2 + bx, i·i·1 हो जाएगा, तो x + b dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स ये हो जाएगा, और लिमिट्स डालेंगे फ्रॉम माइनस वन टू, सॉरी वन टू माइनस फाइव, यहाँ लिमिट्स हम डालेंगे वन टू माइनस फाइव, ये बन जाएगा। और ए और बी की वैल्यूज ऐसा यूनिट्स में हमें दे रखी है, तो वो डाल के हमें बी वन माइनस बी टू आ जाएगा। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग तरह के चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अगर देखिए, तो एक्सप्रेशन में एक तो बन रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वही इंटीग्रेशन से आता है और वो आ जाता है, फिर ये के क्यू बाई आर है, के क्यू बाई आर पॉइंट चार्ज के कारण ये है। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बताना है, ए पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, और ओरिजिन पे हमने चार्ज रखा है। तो अगर पोटेंशियल एट ए अगर देखे तो ए हो जाएगा के क्यू बाई आर ए हो जाएगा, और पोटेंशियल एट बी देख रहे हैं तो ये बन जाएगा के क्यू बाई आर बी, जहां पे आर ए और आर बी हो जाएगा ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस। आर ए अगर देखोगे तो आर ए क्या रहे, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस दिखाना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर यानी टू हो जाएगा, और आर बी क्या बनेगा, आर बी भी टू दिख रहा है, तो ये तो फिर VA इक्वल टू VB दिख रहा है ना, तो VA माइनस VB जीरो ही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। VA और VB बराबर है बिकॉज ऊपर वाला टर्म तो बराबर है ही, और RA और RB भी बराबर आ गया, तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल इजी है KQ by R। बाकी तरह की बॉडीज के कारण पोटेंशियल क्या होगा उसका रिजल्ट फिर से मैंने एक ही पेज में सब लिख दिया है, जो स्टैंडर्ड बॉडीज है, इंपॉर्टेंट बॉडीज है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे पहला है इन्फिनिट लाइन चार्ज। अच्छा, इन्फिनिट लाइन चार्ज के कारण, इन्फिनिट बॉडीज के कारण पोटेंशियल हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं, बिकॉज एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, और वो डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमने रिलेशन देखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करके फिर अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखना चाहता हूं किसी भी पॉइंट पे, तो फिर हमें किसी एक पॉइंट को रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट जो हम रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं वो इन्फिनिटी पे सेलेक्ट करते हैं, यानी इन्फिनिटी पे हम बोलते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, और उसके बाद फिर हम अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं। बट इन्फिनिट बॉडीज के कारण फिर इन्फिनिटी पोटेंशियल हम जीरो नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इन्फिनिट बॉडीज के कारण तो इन्फिनिटी डिफाइन करना मुश्किल है, तो वैसे केसेस में पोटेंशियल नहीं डिफाइन करते, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन तो फिर हर केस में आएगा, तो इन्फिनिट लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस का ये ध्यान रखना है। ये जो लॉग जो है ना, ये सारे लॉग जो है वो बेस ई में है, एलन है, तो ये बेसिकली है टू के लैम्डा एलन ऑफ बी बाई ए, जहां पे बी और ए है उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वो है बी और ए, उन दोनों पॉइंट्स के चार्ज रिंग के कारण पोटेंशियल, तो चार्ज रिंग के कारण पोटेंशियल एक्सिस पे ये है, एक्सिस के सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट ही होते हैं ना, कि अगर रिंग लोगे तो किसी भी एलिमेंट अगर लोगे तो इस एलिमेंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये एक्स है और ये आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सारे एलिमेंट्स इक्विडिस्टेंट है, तो ये सीधा बन जाएगा, अगर मैं इसको आर बोल रहा हूं तो के क्यू बाई आर ये हो जाएगा पोटेंशियल, तो उसी को फिर इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। इन्फिनिट शीट के कारण अगेन इन्फिनिट बॉडी है, तो पोटेंशियल नहीं डिफाइंड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा, और दो पॉइंट्स जो कि जैसे इन्फिनिट शीट अगर ये है, मान लो ये इन्फिनिट शीट ऐसे दिखाते हैं कि प्लस सिग्मा का इन्फिनिट शीट है, और यहां दो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंसेस ये ए है और ये बी है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, तो जैसे अगर ये पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो ये भी एक हमेशा ध्यान रखोगे एक स्टेटमेंट कि कभी कभी आता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना, तो पॉजिटिव या नेगेटिव का चक्कर आता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ ही है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा, तो ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा देन बी, तो वी ए माइनस वी भी पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव का एक्सप्रेशन फिर चूंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला केस है, तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू बी माइनस ए होता है, इस रिजल्ट को तुम्हें ध्यान रखना है। होलो स्फीयर के कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और बाहर में ये पॉइंट चार्ज एट सेंटर की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आ जाएगा, अंदर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई कैपिटल आर और बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर। सॉलिड स्फीयर के लिए ये रिजल्ट फिर तुम्हें याद रखना है कि एक ये वाला जो रिजल्ट है अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये थोड़ा ट्रिकी रिजल्ट है, इसको अगर के टर्म से लिख रहा हूं तो ये रिजल्ट क्या है, ये बेसिकली है के क्यू अपॉन टू आर क्यू और इंटू थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये अंदर वाले रीजन में पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके अभी तुम्हें याद करना है, बार बार रिवाइज करके इसको याद रखना चाहिए। बाहर वाले पॉइंट के लिए तो अगेन सिंपल है कि पॉइंट चार्ज एट सेंटर की तरह बिहेव करता है।
तो ये जो मैं स्टैंडर्ड बॉडीज लिस्ट डाउन कर रहा है इनके रिजल्ट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं, वो एक्चुअल एग्जाम से पहले भी थोड़ा एक दो दिन पहले रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इन पे तो क्वेश्चंस जो भी पूछा था उनमें इसका यूज हो ही जाता है। चलो एक देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में पहला होता है कि अगर किसी एक पॉइंट चार्ज की एनर्जी लिखनी है ड्यू टू अ सिस्टम, और सिस्टम में का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब ये सिस्टम हो सकता है कि एक स्फीयर है, हो सकता है ये एक रिंग है, हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। तो इस सिस्टम के कारण अगर यहां पे हमने कोई चार्ज पॉइंट पी पे अगर एक चार्ज क्यू रख दिया है, तो फिर अगर बताने की इस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे क्या है, तो फिर वो बताने का तरीका होता है कि क्यू इंटू वी, जहां पे वी हम लेंगे इस पी पॉइंट पे इस सिस्टम के कारण पोटेंशियल। तो सिस्टम जो भी रिंग है स्फीयर है उससे पोटेंशियल निकाल लेंगे और क्यू इंटू पोटेंशियल कर देंगे, तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ सिस्टम निकालने का तरीका यह होगा। इसके बेसिस पे एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में हमने एक, देख लेते हैं एक बार, एक रिंग ऐसा है, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसा कुछ, एक्स वाई प्लेन अगर मान लो मैंने ये ले लिया एक्स वाई प्लेन ये है। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द जेड एक्सिस एंड हैज अ स्पीड वी इक्वल टू जेड इक्वल टू 4a। टुवर्ड द रिंग जा रहे हैं, तो अगर मान लो यहां पे ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई अगर ऐसे ले लिया तो जेड एक्सिस इधर होगा, और हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है यहां पे, ये जेड इक्वल टू 4a पे पॉइंट चार्ज है और ये रिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू, इसकी स्पीड की वैल्यू भी है, बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट ये ऑरिजिन को क्रॉस कर जाए। ऑरिजिन जो है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और इस रिंग का रेडियस 3a दे रखा है, रिंग का रेडियस 3a है और चार्ज इस पे क्यू है, चार्ज इज क्यू। तो इसमें अगर ये पॉइंट चार्ज को हमने इधर प्रोजेक्ट किया है तो ऑरिजिन क्रॉस कराना है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉइंट चार्ज, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, तो ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, रिंग भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, जेड के अलोंग होगा, पॉजिटिव जेड के अलोंग, तो इस पे फोर्स पॉजिटिव जेड के अलोंग लगेगा, तो ये रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होने का मतलब है कि इसकी स्पीड घटेगी, लेकिन ऑरिजिन को क्रॉस करना है, तो अगर ऑरिजिन से पहले अगर स्पीड इसकी घटते घटते जीरो हो गई, मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो हो गई, जिसको अभी मैंने डॉट किया है, यहां पे अगर स्पीड जीरो हो गई, तब तो ये यहीं तक आएगा, फिर वापस चला जाएगा, ऑरिजिन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऑरिजिन को क्रॉस करने के लिमिटिंग केस क्या होगा, किसकी स्पीड सेंटर पे जाके, कि स्पीड एट सेंटर, ये यहां पे भी जाके जीरो से थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके ऑरिजिन को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे कि इसको चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा इस चार्ज पार्टिकल का, तो इसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वेट कर देंगे, और एनर्जी में एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगी, तो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे सेपरेशन रिंग का जो सर्कमफेरेंस वाला पॉइंट है उससे यहां का पॉइंट क्या होगा, तो ये 4a और 3a का मतलब ये 5a हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जहां पे इनिशियली हमने प्रोजेक्ट किया था वहां पे रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/5a, ये पोटेंशियल हो गया, और इनटू क्यू कर देंगे तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये हो गया उसकी इनिशियल टोटल एनर्जी जहां से प्रोजेक्ट किया था वहां पे, और सेंटर पे एनर्जी क्या होगी, तो सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस से भी काम चल जाएगा, तो इसको हमने जीरो कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हो जाएगा चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो KQ/रेडियस है इसका 3a, ये बन जाएगा। तो यहां से फिर स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस स्पीड विल गिव यू द मिनिमम स्पीड जिससे हमें ये चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये सेंटर तक पहुंच जाए। अगर इसे कम फेंकेंगे तो फिर सेंटर से पहले इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी और ये वापस लौट जाएगा, इट विल नॉट क्रॉस द सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में एक डिस्कशन इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें भी अगेन स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बताना है कि हमने पॉइंट चार्ज को रिलीज किया है रेस्ट से एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइन चार्ज। पॉजिटिव लाइन चार्ज है, तो लेट्स से ये लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज की डेंसिटी अगर हमने लैम्डा ले लिया, तो यहां से रिलीज किया है, तो ये कुछ आगे बढ़ेगा,
आगे बढ़ गया, यहां पहुंच गया, तो मान लो इसका यहां से डिस्टेंस आर है, तो बताने की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, तो वही करेंगे कि अगर मान लो ये ए है और ये बी है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, तो उसमें बन जाएगा हमने रिलीज किया है इसको, तो रिलीज करने का मतलब कि ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, और प्लस क्यू इंटू वी ए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज हमें पता होता है इज इक्वल्स टू बी पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड बतानी, तो स्पीड में हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिया उसकी काइनेटिक एनर्जी, और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी बी, तो यहां से आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो ये लाइन चार्ज के कारण हमने देखा 2k लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा ln ऑफ r2 by r1 ln ऑफ b by a, वन मिनट, तो ये क्या बनेगा 2k लैम्डा और ln ऑफ r by r0, ये आ जाएगा, तो यहां से हमें प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है वो निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एक और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, अलग अलग पॉइंट्स पे दिखा रखा है, और वर्क डन टू पुट अ फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, तो ये अलग अलग पॉइंट्स है ए बी सी डी, और वर्क डन टू पुट अ फिफ्थ चार्ज एट द ओरिजिन। अच्छा, ऐसे केस में वर्क डन अगर पूछा गया है तो बाई डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, बट वो बाई डिफॉल्ट हमें किसका वर्क बताना है, तो हमें बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है, बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, और कीपिंग या फिर मूविंग मूविंग द चार्ज स्लोली, सबको स्लोली करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और बाय डिफॉल्ट स्लोली हमें लेना है, यानी कि जो चार पॉइंट्स हैं इन चारों पॉइंट्स के पास ओरिजिन भी है एक, और उस ओरिजिन पर हमें फिफ्थ चार्ज को रखना है, तो फिफ्थ चार्ज को रखने का मतलब है कि हमें इन्फिनिटी से मान लो ओरिजिन पे रखना है, तो इन्फिनिटी से ओरिजिन पे हमें रखना है और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बताना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्लोली का मतलब होता है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये हो जाता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक ये हो जाता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक जो होता है ये होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू कंजर्वेटिव फोर्सेस का करस्पॉन्डिंग डेल्टा यू ऐसे ही डिफाइंड होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू हो जाएगा हमारे पास क्यू इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहां पे फाइनली ओरिजिन पे है तो वी एट ओरिजिन माइनस वी एट इंफिनिटी, और वी एट इंफिनिटी तो जीरो ही होता है, यह आ जाएगा। अब यहां पे वी एट ओरिजिन जो होगा, वी एट ओरिजिन ये फिर सारे चार्जेस के कारण निकालना है तुम्हें, ड्यू टू ये जो चार चार्जेस दे रखा है ना यहां पे, चार चार्जेस, तो इन चारों चार्जेस के कारण निकालना पड़ेगा, ड्यू टू ऑल फोर चार्जेस, तो उसके लिए के क्यू बाई आर यूज कर लोगे, जहां पे आर ओरिजिन से उन पॉइंट्स का सेपरेशन ले लोगे, तो वहां से कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, एक्सटेंड को इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, तो दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल जो हो जाती है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, अगर आर सेपरेशन पर रखे हुए, और अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में दो से ज्यादा चार्जेस है तो हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, तो इसमें हम क्या करते हैं ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स का हम कंसिडर कर लेते हैं, सारे पेयर्स की एनर्जी कंसिडर करके और एड कर देते हैं, जैसे उसका एक एग्जाम्पल ये है लास्ट ईयर जेई मेन में आया था, अगेन काफी स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है, तो वो रखा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिस कॉन्फ़िगरेशन की जीरो हो जाए तो उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीन पेयर्स बनेगा, कौन कौन सा तीन पेयर बनेगा, तो एक ये वाला पेयर होगा, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो ये भी ए होगा और ये रूट टू ए हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस वाले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी अगर देखेंगे तो हो जाएगा प्लस कर रहे हैं तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी, फिर ऐड कर देंगे तो के इंटू क्यू अपॉन ए, और प्लस एक और जो पेयर बचा इन दोनों का, तो ये आ जाएगा के इंटू क्यू अपॉन
रूट टू ए। तो ये तीनों पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी लिख लिख के हमने ऐड कर दिया और इसको हमें जीरो कर देना है। तो यहां से तुम्हें कैपिटल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी में एक और कभी कभी पूछा था सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी, तो सेल्फ एनर्जी में हमें दो बॉडीज की सेल्फ एनर्जी ध्यान रखनी है। एक होता है सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल शेल, ये होता है केक्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। सेल्फ एनर्जी इसको बोलते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द शेल भी बोल देते हैं। सॉलिड स्फेयर की सेल्फ एनर्जी होती है 3/5 केक्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दोनों फॉर्मुले ध्यान रखने हैं। और ये एनर्जी स्टोर्ड कहां पे होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एक्चुअली में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फिर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ड्यू बाई डीवी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, जहां पे ई तो होता है ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक्चुअली में स्टोर कहां पे होता है, तो वो स्टोर होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सेल्फ एनर्जी होता है स्फेरिकल शेल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, तो स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं होता है, सिर्फ बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर में सर्फेस से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जो भी एनर्जी होती है सर्फेस से लेकर इन्फिनिटी तक स्टोर रहती है। सॉलिड स्फीयर में अंदर भी होता है बाहर भी होता है, बिकॉज दोनों जगह फील्ड है। और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में मिला के जो एनर्जी स्टोर है वो इतनी आती है। ये इंटीग्रेशन से करके डराइव भी करते हैं, आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, चलो, तो ये एनर्जी तक का हमने डिस्कशन कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सिंपल होता है, मैं बस थोड़ा सा इसको रीड आउट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल से है, एक बार खुद से कर लोगे। तो आज थोड़ा हमारे पास अब टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो डाइपोल वाला डिस्कशन जो क्वेश्चन है वो मैं अभी जो पीडीएफ तुमसे शेयर होगा वो पीडीएफ में रखूंगा, वो क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर लोगे। कंडक्टर्स का डिस्कशन हम आज नहीं कर रहे हैं, वो जब कैपेसिटर वाला वेबिनार होगा तो कैपेसिटर डिस्कशन से पहले हम कंडक्टर्स कर लेंगे, बिकॉज कंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स रिलेटेड ही है। तो आज थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आज के डिस्कशन में हम कंडक्टर्स एक्सक्लूड कर रहे हैं। डाइपोल्स थोड़ा सिंपल होता है, तो मैं थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल से हैं, वो खुद से भी तुम कर सकते हो। तो डाइपोल किसको बोलते हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है। और डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए हम चार्ज दोनों में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का सेपरेशन ले लेते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसको यूज करके यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पे निकालना सिस्टम का, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस क्यू है इसको माइनस क्यू एक और एक माइनस क्यू और दो माइनस क्यू में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक डाइपोल फिर हमें इस डायरेक्शन मिल जाता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और एक डाइपोल इस डायरेक्शन मिल जाता है। और इन दोनों डाइपोल्स, ये अगर डाइपोल है P, तो ये भी मैग्नीट्यूडाइज P होगा, और ये P की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा Q into L, बिकॉज यहाँ पे L सेपरेशन है। और ये एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर इधर की तरफ आ जाएगा और ये रूट थ्री टाइम्स P हो जाएगा, रूट थ्री टाइम्स P, P और P इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, 60 डिग्री एंगल है, तो रूट थ्री P हो जाएगा। और P का है QL, तो फिर यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, नेगेटिव जे में है। तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी ऐसे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट के कारण फील्ड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड होता है, ये रिजल्ट याद ही होगा सबको, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड होता है 2kp/r³ वेक्टर फॉर्म में, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है माइनस ऑफ kp/r³। माइनस का मतलब ये होता है कि डाइपोल मोमेंट राइट की तरफ अगर है तो एक्सियल पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में सेम है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा, मैंने डायरेक्शन भी दिखा रखा है। इक्विटोरियल पॉइंट्स हम बोलते हैं कि उस डाइपोल मोमेंट का जो एक बाइसेक्टर प्लेन होगा, उस बाइसेक्टर प्लेन वाला किसी पॉइंट को हम इक्विटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो उस पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होगा डाइपोल के, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में फिर माइनस साइन लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, ये खुद से कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पर अगर निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये डाइपोल है, ये अगर डाइपोल है पी, लेट्स से पी है, तो फिर इसको अगर हम यहां पे पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस है और ये एंगल थीटा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि डाइपोल के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं पी कॉस थीटा और एक इधर कंपोनेंट कर देते हैं, इस कंपोनेंट को हम पी साइन थीटा बोल देते हैं। तो फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा के कारण इधर हो जाता है, लेट्स से मैं इसको ई1 बोल रहा हूं, तो ई1 की वैल्यू हो जाएगी पी कॉस थीटा के कारण, तो ये एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट इसलिए डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो गया, और ये बन जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r³, ये आ जाएगा। और पी साइन थीटा
के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो पी साइन थीटा जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ई टू होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा तो हो जाएगा केपी साइन थीटा, बिकॉज जो डाइपोल है वो पी साइन थीटा है, तो केपी साइन थीटा, ऊपर वाला जो था वो पी कॉस थीटा के कारण था, तो केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब हो गया। और नेट अगर निकालना है तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, यह आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाइज। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल को अगर हम अल्फा बोल रहे हैं तो फिर टैन अल्फा अगर देखेंगे तो टैन अल्फा आ जाएगा ई टू अपॉन ई वन, ई टू अपॉन ई वन, और ई टू अपॉन ई वन अगर करके देखोगे तो ये दिख रहा है कि टैन थीटा अपॉन टू आ जाएगा, टैन थीटा अपॉन टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसको यूज करना है, इसको याद रखना है, फिर यूज करना है। तो यूज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, इस क्वेश्चन में करोगे तो ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। फिर डाइपोल का एक और इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये फिर किसी भी पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, इसको हम इसके फॉर्म में पी डॉट आर लिख लेते हैं, जहां पे आर होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर यहां पे लिख रहे हैं तो आर वेक्टर ये वाला हो जाएगा, दिस इज आर वेक्टर और दिस इज थीटा, तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि पी कॉस थीटा के कारण होगा, पी साइन थीटा के कारण तो जीरो होगा, क्योंकि अगर किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे देखोगे तो इक्वेटोरियल प्लेन वाला पॉइंट पे माइनस क्यू और प्लस क्यू का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो डिस्टेंस अगर सेम होगा तो फिर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, एक माइनस क्यू के कारण, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो जनरल पॉइंट पे भी अगर करेंगे तो पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है ये, तो वहां पे पी साइन थीटा के कारण जीरो हो जाएगा, सिर्फ पी कॉस थीटा के कारण, तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है, जिसको फिर के इंटू पी डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे डालेंगे, तो जैसे मैंने डायग्राम दिखा रखा है, यहां पे थीटा की वैल्यू जीरो है, यहां पे थीटा की वैल्यू 90 है, यहां पे थीटा की वैल्यू 180 है। इस कारण से यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो ये माइनस ऑफ केपी अपॉन आर स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि इधर वाले पॉइंट पे केपी अपॉन आर स्क्वायर होगा, लेकिन इधर वाले पॉइंट पे माइनस ऑफ केपी अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है। और फिर एक और लास्ट डिस्कशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हो, कर रखा होगा, रिविजन के लिए ध्यान रखना है कि किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो फिर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है कि फोर्स डाइपोल पे नहीं लगता है, जीरो फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल जी डाइपोल की हो जाती है माइनस ऑफ पी डॉट ई, और ये पोटेंशियल जी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि नेट फोर्स तो जीरो है ही, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अब टॉर्क जीरो होगा तो उसके लिए पी क्रॉस ई जीरो होने के लिए पी और ई को या तो पैरेलल होना पड़ेगा या एंटी पैरेलल होना पड़ेगा। तो दो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलते हैं, एक मिलता है थीटा इक्वल टू जीरो, एक मिलता है थीटा इक्वल टू 180। ये वाला पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये वाला पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए होता है बिकॉज अगर इस पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क आता है, अनस्टेबल वाले केस में डिस्टर्बिंग टॉर्क आता है, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बेसिस पे फिर SHM का टाइम पीरियड वगैरह पूछते हैं। तो उसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, ये क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट, आज का डिस्कशन हम यहीं तक करते हैं। और इस डिस्कशन में हमने कंडक्टर्स अभी एक्सक्लूड किया है, जब कैपेसिटर वाला वेबिनार होगा तो उसमें हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो एक क्विक सा रिविजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो तो एक डेढ़ महीने तक हम पढ़ाते हैं, बट अभी हमने क्विक रिकैप किया सो दैट तुम जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें तुम्हारे दिमाग में रिफ्रेश हो जाए, सो दैट एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। तो तुम एक हैबिट ये डेवलप करो कि जब भी यहाँ पे वेबिनार हो रहा है जिस दिन, उस दिन हमने थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन किया है, बट तुम अपने लेवल पे जाके फिर बाकी चीजें भी रिवाइज कर लो उस चैप्टर की, दैट मीन्स और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे आज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और क्वेश्चन जाके घर पे सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर्स वाले ही क्वेश्चन अभी थोड़ा फोकस करना चाहिए, मीन्स के प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2019 वाला, 20 वाला, और टाइम बचा तो उसके पहले वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कर लेना चाहिए आज ही। तो ऐसे करके जो हमारा एक महीने का ये पूरा प्लान चल रहा है वेबिनार वाला, तो तुम अगर खुद से भी जाके आज जिस टॉपिक का हुआ है घर पे इसी टॉपिक का अगर कर लोगे रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन, कि बाय द टाइम एक्चुअल मेंस आएगा यू विल बी थ्रो विथ ऑल द चैप्टर, सारे चैप्टर्स का रिवीजन तुम्हारा अच्छे से हो चुका होगा। तो आई होप इन सेशन से तुम्हें फायदा मिल रहा है, अगर तुम्हें इसका बेनिफिट हो रहा है तुम कुछ फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के भी फिर ये वर्ड स्प्रेड कर सकते हो दैट बीएमसी इज हैविंग दिस वेबिनार फॉर रिवीजन, सो दैट बाकी लोगों तक भी इसका बेनिफिट पहुंच पाए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन। फिर हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे, एक मैं जो वेबिनार नेक्स्ट लूंगा दैट विल बी डीसी सर्किट्स, और उसके बाद फिर देयर विल बी कैपेसिटर्स।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन.